अन अकेडमी स्टार्ट किया। बकवास बंद हो, अभी बकवास बंद हो ना तो तुरंत आपको ब्लॉक कर दिया जाता है, आपका बकवास सुनने के लिए ना। आपको किसी ने यहाँ पे नहीं बुलाया है, ना ही जयप्रकाश यादव, ना ही ये बैच के लिए आपने अन अकेडमी को पेमेंट किया है। चलो आप थोड़ा सुन भी लो, आपका बकवास का आंसर है ये, ठीक है? आपके बकवास का आंसर है, जिस चीज से फायदा उठाते हो उसी के बारे में नेगेटिव बोलते हो ना, तो दिस इज वेरी रॉन्ग। लाइफ में थोड़ा सा एथिक्स लाना चाहिए, ठीक है? बाकी जगह शेर शायरी सुनने चले जाते हो वो आपके लिए बकवास नहीं है। आप थोड़ा सा लेट से आया करो क्लास में, आप लेट से आया करो। और किसने आपको बुलाया? किसी ने जबरदस्ती तो नहीं किया आपको? बकवास लग रहा है, एक बटन दबाओ और गायब हो जाओ। एक तो अन अकेडमी पर टीचर्स आपको आपके फ्री में दे रहे हैं लेक्चर्स, फ्री में दे रहे हैं, तो माइंड योर लैंग्वेज बिफोर यू स्पीक एनीथिंग। ये आपके लाइफ में आपको इसलिए बता रही हूँ ना, ये लाइफ में आपको हेल्प करेगा, नहीं तो यही बोली के चलते है ना, बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे और आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। हाँ, ओवर स्मार्ट बनना है बट कहीं और जाके बनना है, मेरे क्लास में मत बनो, ओके? तो आप क्लास क्विट कर सकते हो और मेरे साइड से आप अभी, आपको मैं तुरंत मेरे साइड से, आपका कोई आंसर कमेंट मुझे नहीं दिखने वाला है, अभी तुरंत ब्लॉक होते हो। यस, कर दिया मैंने अपना काम। जो चीज फ्री में मिल रहा है ना, आपको किसी ने इनवाइट नहीं किया, ना ही आपका पैसा यहाँ पे दिया है, ये स्टूडेंट हो ही नहीं सकते हैं। स्टूडेंट की क्वालिटी हो ही नहीं सकती है, स्टूडेंट बदतमीज हो ही नहीं सकते, इसका मतलब ये स्टूडेंट है ही नहीं, नहीं सुधरेंगे तो। स्टूडेंट का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक होता है उनमें पेशेंस होता है, वो बदतमीज नहीं हो सकते। ब्लॉक कर दिया। द प्रीस्ट सर्मन हैड अ कामिंग डैश ऑन एवरीबडी। जो प्रीस्ट है ना, जो पुजारी का सर्मन है, सर्मन का मतलब है सीख, जो पुजारी ने टीचिंग दिया, सीख दिया, ठीक है, सीख दिया, उसका एवरीबडी पे बहुत ज्यादा मतलब शांति वाला प्रभाव पड़ा। तो कामिंग क्या होगा? कामिंग चांस नहीं होगा ना, कामिंग चेंज भी नहीं होगा, शांत कर दिया, इफेक्ट 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 इफेक्ट, वेरी गुड। नेक्स्ट वन, प्रैक्टिकल रिलीजियस स्पीच सीख को बोलते हैं सर्मन। बुद्धा ने बोध गया में सर्मन डिलीवर किया था बोधि ट्री के नीचे। प्रैक्टिकल आंसर बताना। हाँ, प्रैक्टिकल है। मुझे लग रहा है ना, अरे आप प्रैक्टिकल का थियोरेटिकल बोल रहे हो, ये तो एंटोनिम हो गया, ये तो एंटो है, आपसे सिनोनिम पूछा जा रहा। मैं देख रही हूँ यहाँ पे काफी सारे बच्चों का आंसर रॉन्ग आ रहा है, मैं देख रही हूँ, एमटीएस का प्रीवियस ईयर पेपर है। प्रैक्टिकल का मतलब है ना जिसको एप्लीकेबल का अलग है, ठीक है? एप्लीकेबल का मतलब है कोई भी चीज जिसको अप्लाई किया जा सके, अप्लाई एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल है मतलब ये इसी से संबंधित है, रिलेटेड है। आपका आंसर रॉन्ग आ रहा है। आंचल, आंचल का आंसर करेक्ट है। एप्लीकेबल मतलब कोई भी चीज किसी से एप्लीकेबल टू, मतलब आप इसको अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे इससे संबंधित है, ठीक है, रिलेटेड है। प्रैक्टिकल है, कुछ प्रैक्टिकल प्लान्स बनाइए ना, कुछ सेंसिबल। आंसर इज सेंसिबल, आंसर रॉन्ग हो गया। वेरी प्रैक्टिकल, फिजिबल, यू मेक प्रैक्टिकल प्लान्स, प्रैग्मेटिक, फिजिबल। फिजिबल मतलब लॉजिकल, सेंसिबल, जिसको लागू किया जा सके, सेंसिबल होगा, सेंसिबल। एवर लास्टिंग थोड़ी होगा, एवर लास्टिंग का मतलब होता है परमानेंट, परमानेंट, परमानेंट। रॉन्ग कर दिया। इन स्पाइट ऑफ मेनी डैश वी मैनेज टू गो अहेड विद आवर ट्री प्लांटेशन ड्राइव। आपने स्टार्ट से डी दिया था तो चलो अच्छी बात है, फिर क्यों बदल दिया? इन स्पाइट ऑफ मेनी डैश, इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस के बाद भी ना, इन स्पाइट ऑफ का मतलब है के बावजूद,
इतने सारे बाधाओं के बावजूद भी वी मैनेज टू गो अहेड. अफर्मेशंस का मतलब तो यस, अफर्मेशन मतलब रजामंदी, कन्फर्मेशन मिला. अफर्मेशंस मतलब आपको अप्रूवल, एंड कन्फर्मेशन का मतलब है अश्योरेंस. बाधा इंस्पाइट वाला सेंटेंस विरोधाभास जाएगा ना, इतने सारे पाबंदियों के बाद. गुड. इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड बताना. इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड एक मिनट, वीडियो क्वालिटी बढ़ा देती हूँ अपने सेंस. जस्ट अ मिनट. प्रीपेड का स्पेलिंग रॉन्ग है. प्रीपेड में आई थोड़ी आएगा. प्री प्री पी ए आर ई डी प्रीपेड, ये तो इजी है. पैरिटी का मतलब होता है सिमिलैरिटी. पैरिटी का मतलब है सिमिलैरिटी, समानता. ये वाला रॉन्ग. थाउजेंड्स ऑफ पीपल गैदर्ड बिटवीन द स्टेडियम टू अटेंड द रैली. अरे एक वाला यहाँ पे ना एट पता ही कर लो एट है. ओवर द स्टेडियम थोड़ी हो. यही वाला आंसर है. गैदर्ड एट द स्टेडियम, यहाँ पे एट लगा था, यही आंसर है. गैदर्ड ओवर नहीं होगा, गैदर्ड एट एट गैदर्ड एट द स्टेडियम. एट द स्टेडियम मतलब स्टेडियम एक लोकेशन है, लोकेशन के लिए एट करो एट एट. मच विलेजर्स अटेंडेड द फीस्ट होस्टेड बाय द विलेज पंचायत. मच विलेजर्स अटेंडेड द फीस्ट, भोज. फीस्ट का मतलब है भोज. विलेजर्स काउंटेबल है और मच तो अनकाउंटेबल के लिए होता है ना, तो मच विलेजेस नहीं होगा, मेनी होगा. मेनी मेनी एरर यहाँ पे, मेनी होना चाहिए. हॉर्सेस फॉर कोर्सेस. मैं देख रही हूँ ना कि एमटीएस में नया नया आइडियम आ रहा है. एमटीएस में ना एससीडीएस की तरह नया नया आइडियम दे रहे हैं. अभी मैं सारे नए नए एडियम को एक जगह पे कंपाइल करूंगा. हॉर्सेस फॉर कोर्सेस. हॉर्सेस फॉर कोर्सेस का मतलब है ना अलग अलग तरह के लोग को अलग अलग जॉब के लिए बने होते हैं. अलग काम के लिए अलग लोग की जरूरत होती है. डिफरेंट पीपल आर सूटेड फॉर डिफरेंट जॉब्स. हर कोई अलग जॉब के लिए बना है. हार्डली हार्डली का सिनोनिम हार्डली टू डेज लेफ्ट. हार्डली का मतलब बहुत कम, ना के बराबर, जिसको बोलते हैं बेरली. एडिक्वेटली मतलब सफिशिएंटली, पर्याप्त. स्ट्रॉन्गली तो पता ही है, स्ट्रॉन्गली इज वेरी ड्रेन्ड फॉर्मली. रफली तो पता है, अप्रोक्सीमेटली. द साइंस ऑफ प्रैक्टिसिंग ऑफ ड्रॉइंग मैप्स. साइंस ऑफ मैप. मैप मैप बनाने वाले साइंस को क्या बोलते हैं? जियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ अर्थ, स्टडी ऑफ अर्थ रॉक्स. एंथोलॉजी इज अ कलेक्शन ऑफ लिटरेरी राइटिंग, जैसे पोएम के संग्रह को एंथोलॉजी बोल देते हैं, लिटरेरी वर्क्स. ग्राफोलॉजी इज हैंड राइटिंग.
तो आप बोलोगे मैम कैलीग्राफी का मतलब भी तो हैंडराइटिंग ही होता है, बट दोनों में क्या डिफरेंस है? किसी के हैंडराइटिंग से किसी के पर्सनालिटी को पहचानना इज ग्रेफोलॉजी, ग्रेफोलॉजी, ठीक है। कैलीग्राफी भी, कैलीग्राफी इज ऑल्सो द आर्ट ऑफ ब्यूटिफुल हैंडराइटिंग, और ग्रेफोलॉजी, हाँ ग्रेफोलॉजी, ग्रेफो नहीं है, ग्रेफोलॉजी का मतलब होता है किसी के हैंडराइटिंग से किसी की पर्सनालिटी। आप कई बार ना बहुत सारे ग्रेफोलॉजिस्ट होते हैं आपके हैंडराइटिंग से पकड़ लेते हैं कि ये इंसान किस तरह का है, उसको बोलते हैं। तो आंसर इज कार्टोग्राफी, कार्टो का मतलब होता है मैप्स। बहुत लोग होते हैं ना, होता है कोई दबा दबा के लिखता है, जो टेढ़ा लिखते हैं, कोई लोग सीधा लिखते हैं, तो वो अच्छे से बोलते हैं, इसका पर्सनालिटी में यही है। द स्पोर्ट्स टीचर वॉज इलेटेड, इलेटेड मतलब हैप्पी, व्हेन हिज टीम वॉज वन द स्टेट फुटबॉल चैंपियनशिप। सेशन अच्छा लग रहा है, लाइक भी कर देना। वैसे आज का सेशन ना पहले से शेड्यूल नहीं था, लास्ट मोमेंट में शेड्यूल हुआ है। इसीलिए बहुत बच्चों तक मैसेज नहीं पहुंच पा रहा। अरे लेटिंग क्या वर्षा, क्या हो गया है? अब दिमाग वुमाग ठीक चल रहा है ना वर्षा? आपका आपका दिमाग सही चल रहा है ना? द स्पोर्ट्स टीचर वॉज इलेटिंग, स्पोर्ट्स टीचर दूसरे को खुश कर रहे थे, इलेटेड ये सही है। द स्पोर्ट्स टीचर वॉज हैप्पी, इलेटेड थे, हैप्पी थे। वेन हिज टीम वॉज वन नहीं होगा, वेन हिज टीम वन, वॉज वन तो पैसिव हो गया। When, जब उसका टीम ना मैच जीत गया, वन वन, वॉज के बाद थर्ड फॉर्म आ गया तो सेंटेंस पैसिव चला गया, सेंटेंस पैसिव नहीं जाना चाहिए। ओनली वन लगाओ, डेलीबरेट, डेलीबरेट। पास्ट टेंस जा रहा है विशाल, पास्ट टेंस जा रहा है, तो हैज वन नहीं होगा। जीता, खुशी हुआ। डेलीबरेट का, डेलीबरेट का मतलब होता है जानबूझकर, अरे जानबूझकर, इंटेंशनल, इंटेंशनल मतलब जानबूझकर, थॉटफुल मतलब सोच समझकर, ये सिनोनिम्स है। और एंटोनिम का मतलब है स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस मतलब अचानक से, बिना सोचे समझे, बिना 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 एंटोनिम पूछा, ये तो जानबूझकर किया है, और ये तो स्पॉन्टेनियस था भाई, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था, ये अनप्लैंड था, ठीक है, रैंडम था, अनप्लैंड था, डिसल्ट्री था, मैंने सोच समझ कर नहीं किया, एट रैंडम मुझसे हो गया। There are a lot of things that dash to a healthy lifestyle. बहुत सारी ऐसी चीजें होती है ना जो हेल्दी लाइफ स्टाइल को डैश करता है। Yes, on the spur of moment, instantaneous. सबसे पहले ये एक जनरल बात है, एक जनरल स्टेटमेंट है, इसको तो प्रेजेंट डाल ही नहीं सकते, कॉन्ट्रीब्यूटिंग भी नहीं होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे वर्ब चाहिए, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये थिंग्स के लिए आया, थिंग्स यहाँ सब्जेक्ट है, तो उसके लिए एक वर्ब चाहिए, और आईएनजी ना बगैर इज एम आर के वर्ब हो ही नहीं सकता, और जनरल स्टेटमेंट है, प्रेजेंट में जाएगा, थिंग्स प्लूरल है, तो कॉन्ट्रीब्यूट होगा, कॉन्ट्रीब्यूट थ्री नहीं होगा, अरे थिंग्स, लॉट ऑफ थिंग्स प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल आए, क्या प्रॉब्लम है, इतना इजी है। द सिल्वर ग्लास विल शाइन इफ यू रब बाय लेमन पील, नींबू से रगड़ोगे ना लेमन पील से, तो ये चमक जाएगा ग्लास।
पील, लेमन पील, बाय तो डूअर के लिए होता है, लेमन पील एक इंस्ट्रूमेंट का काम कर रहा है. इफ यू रब इट, और इफ कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस के साथ ऐसे भी दिमाग लगाओ ना, कंडीशनल सेंटेंस के साथ सिंपल प्रेजेंट, बट ये तो पास्ट है, ये भी नहीं हो. और रब इट विथ और रब इट बाय, विथ होम परमानेंट. इजी है, परमानेंट का एंटोनिम पूछा है ना, परमानेंट का एंटोनिम टेम्पररी, ये लास्टिंग का तो लंबे समय तक सिनोनिम हो गया, इन्हें एंटोनिम चाहिए. मैम मुझे लग रहा है कि मेरी इंग्लिश अब ठीक हो रही है. ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात. आपके जब आपको ये लगना शुरू होगा ना कि आपकी इंग्लिश ठीक हो रही है, तो आपका हो जाएगा. पॉजिटिव पॉजिटिव सोचिए. प्रीवियस ईयर पेपर है ये, प्रीवियस ईयर पेपर कब का है, अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है ना तो चेक कर लेना. कुछ लोगों को भरोसा नहीं है तो ये 11 अक्टूबर पिछले साल 2021 का शिफ्ट 2, इसको क्लिक कर लो. क्लिक कर लो और चेक कर लेना कि मैम झूठ बोल रही है सच बोल रही है. इलेवेंथ अक्टूबर भी है और शिफ्ट 2 भी है, देख लिया. मेनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप, ये भी एक इडियम है. कप से, चाय का प्याला कप से लिप तक आने में बहुत बार स्लिप होता है. भरोसा है आपके भाई. प्रीति बोल रहे हैं, उनको कमेंट कर दीजिए, कोई बच्चा कमेंट कर दीजिए. प्रीति बोल रहे हैं इतने सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स है, इतना सारा कैसे पढूं. चलो उनको आंसर कर दो भाई, मेरे बिहाफ पे आंसर कर दो. यस, कोई भी काम करने के लिए ना कुछ बैड थिंग्स होता है. चाय का प्याला आपके माउथ तक जाने में, लिप तक जाने में बहुत बैड थिंग्स होते हैं. ओके, कोई भी काम को खत्म करने के लिए बीच में बहुत सारे नेगेटिव अनप्लेजेंट थिंग्स होते हैं. MTS की याद आपको बहुत जल्दी आ गई है, अभी याद आ रहा है, अभी याद आ रहा है कि MTS में इतने सारे सिनोनिम्स एंटोनिम्स है, कैसे क्या करूं. प्रीति दीदी अब मैम का सेशन देखो, बहन सब याद हो जाएगा. यहाँ पे रिश्ता बनाने नहीं आए हूँ. प्रीति दीदी भी बना दिया और बहन भी बना दिया. रिश्ता बनाने आए हैं यहाँ पे दीदी और बहन का. आप सिर्फ प्रीति भी बोल सकते थे. प्रीति नो नीड टू वरी, आप सेशंस देखते रहिए, रिवाइज करिए. द कंपनी हैज द नंबर ऑफ फेस्टिवल ऑफर्स कमिंग अप सून. द कंपनी हैज द नंबर, कंपनी के पास ना बहुत सारे फेस्टिवल ऑफर्स है, जल्दी आने वाला है. बहन और दीदी दोनों कह के सुपर फ्लूस बना दिया है, सुपर फ्लूस है आपका स्टेटमेंट. नेहा मैम जी आपके कारण मेरे कारण इंग्लिश इम्प्रूव नहीं हुई है. आप मेरे कारण तो बहुत लोग की इम्प्रूव नहीं भी हुई है. नेहा ये आपका है, आपने मेहनत किया है. हैज द नंबर ऑफ, नहीं हुआ द नंबर का मतलब तो कोई खास नंबर, लेकिन ये बोल रहे हैं कंपनी के पास अनगिनत बहुत सारे फेस्टिवल ऑफर्स है, कोई भी ऑफर्स हो सकता है, तो अ नंबर ऑफर. और एन, एन तो वोवल साउंड के साथ आना चाहिए ना, बट ये तो कॉन्सोनेंट. और कंपनी के साथ, कंपनी के पास बहुत सारे ऑफर्स है, बट फ्यू तो नेगेटिव के लिए हो सकता है, ना के बराबर. ये भी हट, आंसर इज दिस. हाँ मेरे कारण जीरो भी आ जाते हैं, मेरे कारण ना बच्चों के नेगेटिव आ जाते हैं जीएस में.
मुकेश फ्यू इसलिए नहीं होगा ना, फ्यू नेगेटिव है, बट यहाँ तो बोल रहा है ना कंपनी के पास बहुत सारे ऑफर्स है, ना के बराबर नहीं है। अ वेरी स्टीप, बहुत खड़ा स्टीप रॉक फेसिंग रॉक फेस और क्लिफ ऑन अ माउंटेन। अब तक प्रीति आपने सिनोनिम्स एंटोनिम्स नहीं पढ़ा है ना, तो आप ज्यादा टेंशन मत लो, क्योंकि उस सिनोनिम और एंटोनिम के चक्कर में ना कुछ और बर्बाद हो के आ जाएगा। तो अब तक नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं है, बस देखते रहो, रिवीजन वगैरह है कहीं भी, मैं रिवीजन वगैरह करवा रही हूँ, आके कर लो, आप टेंशन नहीं लेने का। प्रेसिपाइस प्रेसिपाइस स्टिप ओवर हैंगिंग रॉक, पहाड़ के बीच में दिखते हो, पहाड़ में भी बड़े बड़े चट्टान दिख जाते हैं, बहुत स्टीप खड़ा, स्लोप नहीं है, स्लोप नहीं है, इसी पर इस बार क्योंकि अब टाइम कम बचा है ना, टाइम कम बचा है, बस अब टेंशन ना लो, अब जो दिख रहा है रिवाइज करो, एग्जाम देके और फिर अनअकैडमी का बैच ज्वाइन कर लेना। प्रीति प्रीवियस ईयर एंटोनिम्स सिनोनिम्स एंटोनिम्स लगाओ, लेकिन उसको याद भी तो करना है, आपका एग्जाम शुरू होने में 15 दिन बच गया है, 15 दिन बच गया है, एग्जाम देके आओ और रिवाइज करो प्रीवियस ईयर। वन ऑफ के साथ नाउन प्लूरल आता है, वन ऑफ द थिंग्स। अब हर बार ये सब रिस्क मत लेना लाइफ में ना, किसी चीज के प्रति सीरियस रहो चाहे नहीं, एजुकेशन के प्रति अपना सीरियस रहना है, ठीक है। और एजुकेशन में बुक्स में जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो ना, वो कभी भी वेस्ट नहीं होता है। आपको कुछ नहीं, आपको किसी का बैच नहीं भी कुछ समझ में आया ना, बट फिर भी आप कुछ ना कुछ सीख के जाओगे, तो एजुकेशन में कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होता। तो इसके लिए ना बहुत ज़्यादा सोच विचार नहीं करना है, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सीरियस हो, दिक्कत हो रही है, ये फ्री बैचेस आपको हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो रेगुलर बैचेस में ये सब में सीरियस होना है। भाई मैं थोड़ा कम खा लूँगा, कम खा लूँगा, लेकिन मैं इसमें कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूँ, इतना पावरफुल है कि आपकी लाइफ बदल देगा। दुबई इज लाइक एन ओएसिस, ओएसिस होता है ना डेजर्ट में, डेजर्ट में पानी से घिरा हुआ छोटा सा ओएसिस मिल जाता है। In the middle of the desert. Incorrectly word word बता देना, crayon, crater, cost, crayons. Incorrectly word बता देना। कल ही मुझे अनअकैडमी ने भी एक बुक भेजा है, अनअकैडमी ने कल एक बहुत अच्छा बुक भेजा है स्टार्टअप से रिलेटेड, अभी मैंने उसको पढ़ना, स्टार्टअप अभी मैंने उसको पढ़ा नहीं है, सैटरडे संडे में पढ़ूं। कॉशियस स्पेलिंग रॉन्ग है, कॉशियस कॉशियस। कोई स्टार्टअप वगैरह है, स्टार्टअप से रिलेटेड है, क्या क्या कुछ है स्टार्टअप से रिलेटेड, उसको पढ़ूंगी, आराम से पढ़ूंगी। पढ़ाई में आपको आपको भगवान, कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है ना कि आपसे सब चीज छिन जाता है, आपका लॉस हो रहा है, ये है ये है वो है, लेकिन आपके पास अगर एजुकेशन है ना, तो लाइफ में आपको पता भी नहीं चलेगा कि सारा जो चीज आपसे छिना हुआ है आप फिर से कम बैक कर लो, सब चीज़ लाइफ का हासिल कर लोगे अगर प्रॉपर एजुकेशन हो। दो चीज़ लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक एजुकेशन और एक आपका कैरेक्टर।
एक आपका कैरेक्टर। कभी कभी हम बहुत पैसे कमा लेते हैं और हम बहुत ज़्यादा बड़ा मुकाम हासिल कर लेते हैं, बहुत बड़ा पैसे कमा लिया, बहुत लेकिन आपने इसको सही नहीं रखा है ना, तो ये सारा बर्बाद है। तो लाइफ में ये आपका कैरेक्टर का मतलब सब चीज़ हो गया। अरे कैरेक्टर का मतलब सिर्फ वही मत समझ लेना, गलत हैबिट वाला ही नहीं बोल रही, गलत हैबिट से तो दूर रहना है। और आपका दूसरों के साथ कैसे बिहेव कर रहे हो, कैरेक्टर में आपका मुसीबत के समय आप प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल कर रहे हो, कितने पॉजिटिव हो, तो इट इज़ अ डेडली कॉम्बिनेशन, योर कैरेक्टर एंड योर एजुकेशन। जीवन दुख से भरा पड़ा है, ये तो आपका सोचने का, सबका जीवन में कुछ ना कुछ दुख रहता है, लेकिन ना द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, हमें लगता है कि वो ज़्यादा खुश है। चलो आ जाओ डिफेंस मिनिस्टर वाला, क्या आ गया सर्च इनपुट, पता नहीं ये क्या आ गया, ब्लैक कलर कोई खुश नहीं है। खुश नहीं है, खुश नहीं है, दुख होते हो कि पता चलेगा 40-50 इयर्स में आ जाओगे, लाइफ का पहला इनिंग खत्म हो गया। भाई सेलिब्रेट करो, सेलिब्रेट करो, डिफेंस मिनिस्टर कॉम्प्लीमेंटेड, डिफेंस मिनिस्टर ने बधाई दी इंडियन एयरफोर्स को फॉर इट्स रैपिड डिप्लॉयमेंट, तैनात किया एसेट्स एट फॉरवर्ड लोकेशन इन रिस्पॉन्स टू, की प्रतिक्रिया में इन रिस्पॉन्स टू, ये तो पढ़ा है इन रिस्पॉन्स टू, इन 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 रिस्पॉन्स टू the border row with China in eastern Ladakh, the current combat मतलब जो conflict उलम में conflict चल रहा है, readiness has sent a strong message to our dash। हाँ बताओ, very good, उसने message भेजा है किसको, ये जो चल रहा है ना, Indian Air Force ने अपना बहुत सारा लोगों को deploy कर दिया है, okay ईस्टर्न लद्दाख वाली वैली में, क्योंकि चाइना वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन कर रहा है, और ये करके ना इंडियन एयरफोर्स ने मतलब करेंट कॉम्बैट रेडीनेस ने एक क्या भेजा है, अपने अपने विरोधियों को एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजा है। एडवर्सरी, एडवर्सरी मतलब कॉम्पिटिटर, मैसेंजर थोड़ी है, टेररिस्ट को थोड़ी भेजा है, उनके यहाँ एडवर्सरीज चाइना साइड के जो ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहे हैं वो हमारे कॉम्पिटिटर है ना, हमारे दुश्मन, दुश्मन पक्ष को, एडवर्सरीज, दुश्मन को एक बहुत बड़ा मैसेज भेजा है क्या। इन एन एड्रेस टू द टॉप कमांडर्स ऑफ डैश, खास की बात हो रही है ना, खास कमांडर्स, कहाँ के कमांडर्स, द एयरफोर्स, द विरोधियों को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजा, द। और अब बताओ, मैसेज ऑन द ओपनिंग डे ऑफ द 3-डे कॉन्फ्रेंस, द डिफेंस मिनिस्टर सेड दैट द नेशंस रिजॉल्व, नेशन ने जो प्रतिज्ञा की है बचाने की, टू डिफेंड इट्स सॉवरेनिटी डैश फॉर्म दृढ़ है, एंड दैट द पीपल ऑफ द कंट्री हैव फुल कॉन्फिडेंस। स्टैंड्स, क्योंकि ये एक बात कही जा रही है, प्रेजेंट टेंस में कही जा रही है, तो पास तो नहीं होगा, ठीक है। और इस एमआर के बाद थर्ड फॉर्म आ गया, पैसिव भी नहीं गया, और बिना इस एमआर के आईएनजी वर्ब है, स्टैंड्स फॉर्म, और इजी है, और हमें फुल कॉन्फिडेंस है अपने आर्मी पे, अपने आर्म्ड फोर्सेस के, क्या पे कॉन्फिडेंस है आपको, अवेलेबिलिटी पे, उपलब्धता पे भरोसा है, सेंसिबिलिटी पे, प्रोबेबिलिटी पे नहीं, उनकी क्षमता पे हमें भरोसा है।
हमें अपने एयरफोर्स के आर्म फोर्सेस की कैपेबिलिटी एबिलिटी पर भरोसा है। चलो भाई इसी बात पे सेशन को लाइक कर दीजिए। माय गॉड ओनली 32 लाइक्स किया है, 100 पीपल आर वाचिंग दिस सेशन एंड ओनली 32 लाइक्स। बहुत बहुत नाइंसाफी, बहुत नाइंसाफी। किया है अभी पीपल। देखो पर्सन सोनल, पर्सन तो सिंगुलर होता है, पर्सन का मतलब कोई एक खास व्यक्ति, इसका प्लूरल पर्सन्स होता है। बट पीपल मतलब सामान्य लोग, जनरल लोग को बोल, इसका ये अपने आप में प्लूरल। स्कोर बता देना, 22 आया है नेहा का, 22 आया है मुकेश का, 22 आया अमित का, 24 आया, वेरी गुड। अमित का बहुत अच्छा स्कोर है। वर्षा 23, साहिल 16 और गुलशन 23, कोमल 22, आज 25 नहीं आया है किसी का। राज द मिस्ट्री 22, विशाल 19, विशाल का और आना चाहिए था। अभिषेक का 21, धीरज का 24, वेरी गुड। आई थिंक कौन वाला रॉन्ग किया है आप लोगों ने ना, मुझे लग रहा है मैक्सिमम बच्चों ने इसको रॉन्ग किया है, जहाँ तक मुझे लग रहा है, जिसका 24 आया है ना, मुझे लग रहा है ये वाला रॉन्ग किया है। क्रेटर मतलब जो बड़ा सा, जैसे वोल्केनो वगैरह भी इरप्ट होता है तो बड़ा सा होल हो जाता है, क्रेटर होल, कैविटी होल, इसको रॉन्ग किया है। एप्लीकेबल का अलग होता है, एप्लीकेबल है मतलब ये इससे संबंधित है। No, I don't want to give my take on work. I don't want any distraction in the class. This is a educational platform, na? Okay, this is an educational platform where we are serious. Okay, working for our MTS exam. So why will I give my take on so and so things? Why will I waste time? ये सब के लिए और भी बहुत platform है, वहाँ पे बातचीत करेंगे, चाय पे चर्चा करेंगे, वहाँ यहाँ नहीं। चलो नेक्स्ट वाला, आपका एडीएम रॉन्ग हो गया, एप्लीकेबल कर दिया था। डिसल्ट्री का मतलब होता है ना कोई भी चीज अनप्लान्ड, अचानक से बिना प्लानिंग के। बिना प्लानिंग के अनप्लान्ड है, रैंडम। चलो नेक्स्ट वाला, द फर्स्ट पीपल टू लिव इन एन एरिया, ये उसी 11th अक्टूबर का ही शिफ्ट 3 है। हाँ, वहां के मूल निवासी, फर्स्ट पीपल, प्रोविंशियल का मतलब है किसी प्रांत के लोग, ये तो नेटिव हो तो पता है, लोकल नहीं होगा, नेटिव। प्रायोरिटी, ये मुझे लग रहा है रॉन्ग करोगे। ये मुझे लग रहा है प्रायोरिटी देना किसी चीज को, प्रायर, प्रायर का मतलब पहले, हिंट भी दे दिया। प्राथमिकता देना, डिग्निटी का मतलब तो रिस्पेक्ट है, फॉर्मैलिटी करना मतलब ऑफिशियल, औपचारिकता। पॉसिटी का मतलब है कमी, पॉसिटी होना किसी चीज की शॉर्टेज होना। प्री का मतलब है पहले, किसी चीज को पहले ही कर लेना, प्रेसिडेंस, प्राथमिकता देना, प्राथमिकता। इनफ्लेमेबल, इमरजेंसी, बिजनेस, ड्रेडफुल, कौन सा स्पेलिंग रॉन्ग है? ग्यारह बजे कल वॉट पावर की क्लास है, ओके, अन अकेडमी के स्पेशल क्लास में, अन अकेडमी स्पेशल। इसका लिंक मैंने टेलीग्राम पे सारा क्लास का लिंक वगैरह शेड्यूल कर दिया, आ जाना सुबह 11 बजे। इमरजेंसी का स्पेलिंग में क्या गलत, GENCY SY। ड्रेडफुल का मतलब है बहुत फियरफुल,
इनफ्लेमेबल मतलब जो वन विच कैचेस फायर इजिली, जिसमें आसानी से आग पकड़ ले. ड्रेडफुल का मतलब होता है फियरफुल. और एक वर्ड आता है ड्रेरी. ड्रेरी का मतलब फियरफुल नहीं होता, ड्रेरी का मतलब होता है डल. डल स्पेशल वर्ड्स एंड फ्रेजेस यूज्ड बाय अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल. कुछ फ्रेजेस होते हैं ना जो कोई खास ग्रुप ऑफ पीपल अपने जॉब में यूज करते हैं. जैसे मैंने बोला सिंक, तो सिंक का मतलब तो डूबना होता है, लेकिन डॉक्टर बोलेंगे ना कि पेशेंट सिंक हो रहा है, मतलब उसकी हार्ट बीट कम हो रही है. जैसे मैंने बोला हैंग करना, फांसी देना, बट टेक्नोलॉजी में हैंग का मतलब होता है ना मेरा लैपटॉप हैंग हो गया है, काम नहीं कर रहा है. तो ऐसे वर्ड्स को हम जार्गन वर्ड्स बोलते हैं, किसी खास प्रोफेशन किसी खास वर्क के जार्गन लैंग्वेज बोलते हैं. जार्गन एलोक्यूशन तो स्पीच हो गया, एलोक्यूशन स्पीच है. After she received an overripe papaya, पका हुआ पपाया मिलने के बाद विद्या examined that overripe जरूरत से ज्यादा पका हुआ, वो भी खराबी है. विद्या examined that she would never dash fruits online. Would है ना, would मॉडल वर्ब है. एक मैंने ना क्विज में कहीं डाला था, अब मेरी टीम कहीं कहीं क्विज डालते रहता है. आई वुड नहीं, ऐसा कुछ क्विज था, आई ऐसा था सॉरी आई वुड रादर ऐसा था. और एक ऑप्शन में टू वर्क था, एक ऑप्शन में वर्क था, एक ऑप्शन में वर्किंग था. कहीं मैंने ये ऐसा वाला क्विज टीम में इंस्टा वगैरह कहीं पर डाला था, इंस्टा वगैरह. तो क्या होगा जरा आंसर बताना, तो क्या होगा इसका. अरे मैं नहीं डालती हूँ वर्षा, आप रीजनिंग और मैथ्स का क्विज भी अच्छा डालती हो, मैं नहीं डालती हूँ. हाँ वर्क हो हाँ ठीक है, वर्क होगा. क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, ये डी का मतलब क्या होता है, ये डी का मतलब ना डिड भी हो सकता है, ये डिड का मतलब वुड भी हो सकता है, ये डिड का मतलब हैड भी हो सकता है. हैड आएगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, वॉक्ड होगा. वुड आएगा तो वी वन, और डिड आएगा तो वी वन. इंस्टा पे डाले थे ना, मेरी टीम डालती है वो सब. आंसर वगैरह के लिए मुझसे बात कर लेते हैं. तो यहाँ पे आंसर वर्क होना चाहिए था ना, क्योंकि वर्कड तो ऑप्शन में है ही नहीं. आई वुड रादर वर्क ऐसा था कुछ, वर्क होगा. क्योंकि अगर इसको डिड भी मानते हो तो डिड के साथ भी वी वन, वुड भी मानते हो तो वी. अब वो मेरी टीम बोल रही थी मैम एक स्टूडेंट था ना, वो पाकिस्तान से कोई स्टूडेंट थे, वो क्या बोल रहे हैं कि आंसर गलत है. मैंने बोला कि उनसे पूछो आंसर क्या है, और पता नहीं क्या क्या आंसर टीम ने बोला मैम पता नहीं क्या क्या आंसर बता रहे हैं, इस आंसर को मानने के लिए तैयारी नहीं है. बोल रहा है प्रूफ करो कि वर्क होगा. फिर मैंने उसको बोला ब्लॉक करो, जो ज्यादा प्रूफ मांग रहा है ना. इजी क्वेश्चन का प्रूफ मांगते हो ना, ये तो तैमूर भी बता देगा. इतना इजी क्वेश्चन का है प्रूफ करो, अरे आंसर यही है. तो हमारे जो इंडिया से स्टूडेंट्स थे उन्होंने भी बोला अरे मैम पता ही है इन्फिनेटिव वगैरह नहीं लेगा मॉडल, ब्लॉक करो प्रूफ करो. तो वुड मॉडल वर्ब है ना, मॉडल वर्ब के साथ वी वन आए, वी वन सही सलूशन. कोई बच्चा भी बोलेगा ना देख के आई वुड रादर टू वर्क अजीब सा लग रहा है. एट फर्स्ट पहले अपने नॉलेज को देखो, अपना आपको कितना नॉलेज है ना, उसके बाद प्रूफ मांगना है. ऐसे थोड़ी होता है. मैं सबके लिए मैं सिर्फ पाकिस्तान और वो सबके लिए नहीं बोल रही, मैं इंडिया में भी बोल रही हूँ. ओके कुछ भी रेस करने के पहले आप देखो कि आप
क्या बोल रहे हो, कोई सिली क्वेश्चन का प्रूफ मांग रहे हो, या क्वेश्चन थोड़ा घुमावदार है उसमें प्रूफ मांगो, प्रूफ मांगो। एट फर्स्ट वी क्रूज्ड इन द लोकल रिवर बिसाइड ट्राइंग। मैं सिर्फ दूसरे कंट्री के लिए नहीं बोल रही, इंडिया का तो लग रहा है सब इंग्लिश बहुत अच्छे करके रखे हो मुकेश, मैं इंडियन स्टूडेंट्स की भी बात कर रही हूँ। बहुत सारे हैं जो स्मार्टनेस तो इतना स्मार्ट बनते हैं ना, अनाप शनाप आंसर देने लगते हैं। बिफोर ट्राइंग एनी एडवेंचरस, मैंने लोकल रिवर पे ही एक बार सेल करके देखा। बिफोर एक जनरल में सबके लिए बोल रही हूँ, पर टीम ना टीम से बकझक करने लगते हैं कि नहीं गलत है, प्रूफ करो, ये करो। फिर वो मेरे पास लेके आते हैं, मैम आंसर एक बार देख लीजिएगा, तो मैं बोलूँ ब्लॉक करो। स्मज, बिसाइड का मतलब होता है बगल में, बिहाइंड का मतलब पीछे होता है, बिसाइड इस बगल में। स्मज लड़कियों को तो पता है, जब वो काजल खरीदते हैं ना, काजल वगैरह खरीदने जाते हैं, तो वो बोलते हैं ना कि ये काजल स्मज तो नहीं होगा ना, स्मज मतलब फैल के दाग वगैरह तो नहीं कर देगा ना। स्मज, तो स्मज का मतलब है दाग, स्पॉट, फैल के दाग वगैरह तो नहीं। स्मज फ्री काजल, मड, मड से याद करो, मड मिट्टी पलित करना, स्टेन करना, दाग धब्बा। ट्रैश का मतलब तो कूड़ा, गार्बेज, आपका ट्रैश में चला जाता है ना, मेल कभी कभी ट्रैश और वो सब में चला जाता है। पहली बार ये वर्ड देखा है, वाह काजल का, लड़कियों को तो पता है स्मज फ्री काजल चाहिए, जो काजल फैले ना, वाटर प्रूफ हो, मतलब फैले ना स्मज फ्री। मड से याद करो ना, मिट्टी पलित, स्टेन, दाग धब्बा। फर्स्ट टाइम सुना है ना, सुन लेना है, ऐसा नहीं है कि ये वर्ड सिर्फ लड़कियों को पता होना चाहिए, लड़कों को भी पता होना चाहिए। देयर वॉज वेरी पुअर रिसेप्टिविटी ड्यू फ्रॉम टेक्नोलॉजिकल ग्लिचेस। टेक्नोलॉजिकल ग्लिच का मतलब है तकनीकी खराबी, ओके, जिसको हम स्नैक भी बोलते हैं, टेक्निकल स्नैक। टेक्निकल स्नैक मतलब टेक्निकल खराबी, जिसको ग्लिच भी बोला जाता, तकनीकी खराबी। ड्यू फ्रॉम नहीं होता, ड्यू टू। यहाँ पे आंसर है, मतलब इसमें गड़बड़ी है। फिट एज अ फीडल, अगर आपसे कोई पूछे ना, आपसे कोई पूछे कि हाउ आर यू फीलिंग ना, तो वो बोलते हैं आई एम फीलिंग फिट एज अ फीडल। फिट एज अ फीडल का मतलब है मैं बहुत, हाँ, गुड हेल्थ में हूँ, एक्सीलेंट, गुड हेल्थ। To be in excellent health and good working order. आप CDS के लिए भी English करवाते हो? बिल्कुल करवाती हूँ अनु, आप आ जाना, आप Unacademy का बैच ज्वाइन कर लो, उसमें कोड लगा देना रानी 10, ओके, फिर आप CDS में पहुंच जाओगे, 10% डिस्काउंट मिल रहा है, बिल्कुल। Fatigue, सैलुब्रियस का स्पेलिंग अनुज रॉन्ग लिखा है, पता नहीं क्या क्या सैलुब्रियस का स्पेलिंग है, डबल एल लगा दिया, BRI BURN, सैलुब्रियस। 10th का आंसर 1 है। फटीग का मतलब होता है ना थक गया है, फैट है, फैट लोग जल्दी थक जाते हैं, फटीग इज टायर्डनेस। इसका तो स्ट्रेंथ है, उल्टा पूछा है एंटोनी, पूछा
फटीग रहता ना, फटीड रहता, फटीड एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है तब मैं टायर्ड लगाती, बट यहाँ नाउन है तो टायर्डनेस लगा। हेफ्टी, हेफ्टी चार्जेस, हेफ्टी चार्जेस, बहुत इसके चार्जेस बहुत हेफ्टी है। हेफ्टी मतलब बहुत हेवी चार्जेस, बल्कि हेवी, कोई पर्सन हेफ्टी है मतलब हट्टे कट्टे लोग, स्टर्डी, ब्रॉनी, हट्टा कट्टा व्यक्ति, हेवी, बर्ली। इस बार सीजीएल में ये आया था ना पर्ची, सीएचएसएल, हट्टा कट्टा, स्टाउट, स्ट्रॉन्ग बिल्ड, रोबोस्ट, रोबोस्ट स्लाइड्स। हेफ्टी चार्जेस का मतलब है बहुत ज्यादा हेवी चार्जेस, और ये तो थोड़े बहुत चार्जेस। लिबरल मतलब जिसका दिल बड़ा होता है, दोनों का मतलब सेम है, रतन टाटा टाइप। और हैंडसम का मतलब तो बहुत स्मार्ट, एडोनिस, स्मार्ट है, नेटी है, बहुत स्प्रूस है, स्मार्ट है। अकॉर्डिंग टू द मेटोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मौसम विभाग के अनुसार यस्टरडे आसाम हैड द हेवियर रेनफॉल ऑफ द डिकेड। सेशन अच्छे लग रहे हैं, लाइक वाइक भी कर देना। आसाम के पास ना पूरे 10 साल में, आसाम के क्या मतलब, आसाम में हेवियर नहीं, हेवियर तो दो के बीच में कंपैरिजन है ना, पिछले 10 साल में हेवीएस्ट, हेवीएस्ट, गुड। आफ्टर द रेन द रोड्स वाज वेट एंड वाटर लॉग्ड इन सम प्लेसेस। वर होगा, रोज है, रोज प्लूरल है रेन के बाद। अब आप बोलोगे मैम रेन को क्यों नहीं माना, आफ्टर प्रेपोजिशन, आफ्टर प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद ना उसका ऑब्जेक्ट आता है, तो रेन ऑब्जेक्ट है। इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट रोड्स है, वेट, वेट जो था, गीला रेन नहीं था, गीला तो रोड्स था, रोड्स प्लूरल है। The patient's family had to go through a lot of trouble to admit her into a hospital. वैसे तो admit के साथ two लगाते हैं। अरे मैंने तो answer ही बोल दिया शायद। Answer ही बोल दिया। Access का मतलब है available approach। Hospital मैंने शायद answer बोल दिया। Hospital में ना admit करवाना। Next, the quarantine period for travelers by road into this state has been dashed to 28 days. Quarantine period बढ़ा दिया गया, 28 दिन कर दिया गया। देख रही हूँ expand भी आ रहा है, increase भी आ रहा है। डेज को एक्सपैंड थोड़ी करोगे, जब एक्सपैंड, एक्सपैंड करना, फैलाना, किसी एक्सपैंड करना ना, किसी चीज का दायरा बढ़ाना, एक्सपैंड दायरा बढ़ाना, ओके। बट 28 डेज का टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इंक्रीज किया गया, इंक्रीज होगा। एनलार्ज का मतलब भी साइज में बढ़ाना, दायरा बढ़ा दिया। वी कैन इंक्रीज, इंक्रीज 28 डेज, पहले 2 days का था, 2 days से इंक्रीज करके 28 days डाल दो। एक्सपैंड एरिया के लिए होता है। ये सब छोटी छोटी चीजों को गलत कर दोगे ना, जिस वजह से आपका 25 में 25 नहीं आता।
गुलशन आप अपने से काम अपना अपने से मतलब रखो। वर्षा का इट्स योर डे इट्स नॉट योर डे उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वर्षा का स्कोर से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अपने से मतलब रखो आप। इट्स नॉट योर डे द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट व्हाट ही हैड एट द प्रीवियस नाइट। एक्सटेंड करना ना किसी चीज को, जानबूझकर खींचना, डिले करने के सेंस में। अनुज एक्सटेंड कर दिया इस ऑफर को। एड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा ये हो, और यहाँ तो इन्वर्जन कर दिया। ये क्वेश्चन मार्क सेंटेंस थोड़ी है कि इन्वर्जन होगा सब्जेक्ट से पहले। एड के बाद वितरी अनुज बोला। टॉलरेंस एमिनेंट वेरी वरी का मतलब होता है ना बहुत ज्यादा टायर्ड थका हुआ। वरी टायरसम थका हुआ टीडीएस थका देने वाला। हैप्पीनेस तो पता ही है। एमिनेंट का मतलब है फेमस प्रसिद्ध। ये स्पेलिंग रॉन्ग है। टॉलरेंस टॉलरेंस ई लगेगा पहला वाला में ए के जगह ई हो बाद में। Keep pets can be very comforting for most people. Pets रखना ना बहुत सारे लोगों के लिए comforting होता है। ये जो can be है ना ये verb है। अरे verb और verb को subject चाहिए और verb को subject चाहिए और verb verb को subject बनाने के लिए उसको या तो नाउन बनाना होगा या प्रोनाउन। तो उसको नाउन बना दो जीरण बन जाएगा। जीरण कीपिंग पेट्स। कीपिंग पेट एक पेट की बात नहीं हो रही है। पालतू जानवर बहुत अच्छे होते हैं। कीपिंग पेट्स द मिनिस्टर्स ऑफिस। मिनिस्टर के ऑफिस ने एक प्रेस स्टेटमेंट इशू किया है। के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म ठीक है गलत है। विल के साथ वी1 फॉर्म गलत है। और हर दिन थोड़ी इशू किया जा रहा है। सेंटेंस पास्ट में जा रहा है। अब आ जाओ क्लोजेस्ट लास्ट। अच्छा एक और एल्बो ग्रीस। एल्बो ग्रीस ऐसा ऑप्शन दिया है ना, ऐसा ऑप्शन दिया कि कोई भी बच्चा को नहीं भी पता है तो पहुंच जाएगा आंसर पे। ऑयल ऑन द शर्ट स्लीव टू मच क्रीम ऑन हैंड स्टेन अने या। एल्बो ग्रीस का मतलब होता है ना बहुत ज्यादा शारीरिक एफर्ट। चलो आ गया। अब ये मुझे तो बहुत इजी लग रहा है। ये ना पता नहीं क्या है ये छुप गया है। नेम पियोन एग्रीड टू एब्सेंट। चलो अब नहीं दिख रहा तो ब्लैक पता नहीं क्या से आ गया है। चलो ठीक है एब्सेंट हिमसेल्फ पता नहीं क्या है। ये नाम है क्योंकि पी से दिख रहा है ना तो ये लिंक पियोन कोई नाम है। कोई नाम है चलो वो छोड़ दो नहीं दिख रहा है। नहीं नहीं कॉपीराइट मार थोड़ी है। वो कुछ और आ गया। सर्च इनपुट टेस्ट बॉक्स क्या फिट हो गया। I had to absent अपने आप को क्लासेस से दूर रखा। You absent yourself from in classes थोड़ी है। Absent from he absented himself from school from होगा from
फ्रॉम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है और फ्रॉम लेता है। क्लास से अपने आप को दूर, जो ये व्यक्ति है ना हमेशा अपने आप को क्लास से एब्सेंट रहता था। एंड वन डे डैश द प्रिंसिपल, वन डे द प्रिंसिपल, किसी खास बात कॉलेज के प्रिंसिपल की बात हो रही है, तो एक दिन प्रिंसिपल मेड अप हिज डैश, उसने प्रिंसिपल मैंने मन बना लिया था कि आज तो मैं इसको निकाल ही दूंगा स्कूल से। मेड अप हिज माइंड, मेक अप योर माइंड मतलब मन बना लिया था कि मैं इस बच्चे को निकालूंगा। सो ही सेंट फॉर, सेंट फॉर मतलब उसको बुलावा भेजा, सेंट फॉर का मतलब उसको बुलावा भेजा, फॉर द डैश मैन। चाइल्डिश नहीं, स्कूल का बच्चा है क्या है, यहाँ पे रॉन्ग कर सकते हो। यूथफुल का मतलब होता है ना वेरी एनर्जेटिक, वेरी वाइब्रेंट, उत्साहित, ये तो नहीं। यंग मैन, यंग मैन स्कूल का बच्चा है, यंग मैन। चाइल्डिश का मतलब भी होता है, आप बोलोगे मैम बहुत चाइल्डिश है तभी तो नहीं आ रहा है ना, तो चाइल्डिश का मतलब भी होता है इमेच्योर और इसका मतलब भी इमेच्योर, तो दोनों एक दूसरे का सिनोनिम, ये नहीं हो सकता। तो लिन, यंग मैन को बुलाओ भेजो। लिन अराइव, जस्ट जस्ट लिन अराइव किया जब, जैसे ही प्रिंसिपल लंच के लिए जा रहा है। जस्ट कितना टाइम, जस्ट एज जैसे ही प्रिंसिपल लंच के लिए जा रहे थे ना तब वो आया। जस्ट एज, इज दिस द टाइम टू कम, सेड द प्रिंसिपल, स्ट्रिक्टली बोला, स्ट्रिक्टली चलो अब स्कूल लेट्स स्टार्ट। ओके, सिर्फ कंप्लीट बैच परचेज करने का ऑप्शन है कि इंग्लिश का नहीं है, बाकी सब बैच मत देखना, इंग्लिश करना, इंग्लिश ही पढ़ना। ओके चलो स्टार्ट किया जाए। ये आपका क्या है, ये आपका एंटोनिम है और ये 12th अक्टूबर शिफ्ट 1 का पेपर है, पिछले साल का पेपर है ये, ठीक है, शिफ्ट 1 का पेपर है। चलो स्टार्ट किया जाए। अनयूजुअल, कोई भी चीज अनयूजुअल है, अनयूजुअल है मतलब यूजुअल से थोड़ा अलग है, अनकॉमन है, थोड़ा एबनॉर्मल से अलग है, अनयूजुअल है, एबनॉर्मल है, ठीक है। इसका उल्टा पूछा, इसका उल्टा क्या होगा, कॉमन है, अनयूजुअल है मतलब रेयर है, ये तो इसका सिनोनिम है ना, हमें तो एंटोनिम चाहिए, तो कॉमन है, कॉमन। केक्स आर जयास फेवरेट स्नैक, इवन समोसास इज अपर्णास प्रेफर्ड चॉइस। आंसर बताना। जब बिहार में इंटरनेट सर्विस बंद है, ओके। केक्स आर जयास फेवरेट स्नैक, जो केक है ना वो जया का फेवरेट स्नैक है, इवन समोसास, सबसे पहले तो याद रखो समोसास है, समोसा, समोसास प्लूरल है ना, तो आर लगेगा, आर। तो ये तो हट गया। ओके, ये तो क्वेश्चन तो हट गया। और ये बोल रहे हैं कि और दोनों अलग अलग है, केक जया को पसंद है जबकि अपर्णा को समोसा पसंद है, तो दो अलग अलग बातें हो रही है ना, जबकि समोसा और बी वर्ब तो बगैर अकेला आ ही नहीं सकता है, बगैर मॉडल वर्ब। पिछले साल का पेपर, पिछले साल का, वाइल जबकि समोसा अपर्णा को पसंद है।
I have no information about today's meeting with the managing director. Just one. I have no inf. मैंने तो शायद बोल ही दिया. No, no adjective है. ठीक है, adjective के बाद noun चाहिए ना. I have no information. बोल ही दिया मैंने, पहले ही बोल दिया है. Next. Though they worked day and night to build the highway before the decline, they could not complete it. Could मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के साथ वी वन लगेगा. दे कुड नॉट कंप्लीट इट. दे कुड नॉट कंप्लीट इट. नेक्स्ट ड्रॉप इन. ड्रॉप इन करना. ड्रॉप इन. आई विल ड्रॉप इन एट योर हाउस. ड्रॉप इन करना ना किसी के घर, एक छोटा कैजुअल कैजुअल विजिट करना. कैजुअल विजिट ड्रॉप इन करना. ना ना रिड्यूस इन नहीं होगा, रिड्यूस इन नंबर्स नहीं होगा. ड्रॉप इन एक फ्रेजल वर्ब है, किसी के घर जाके विजिट करना. ट्रांसपेरेंट कैजुअल, कोई ओकेजन वोकेजन नहीं है, ऐसे कैजुअली जाके किसी से मिलने जा रहे. ड्रॉप बाय भी होता है. ड्रॉप बाय का मतलब होता है ना वहां से होकर गुजर रहे हो. ठीक है, उसके घर के बगल से होकर गुजर रहे हो और आप मिलने चले गए. ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी. पारदर्शी तो क्लियर होगा ना, क्लियर. ओपेक तो इसका एंटोनिम हो गया, अनक्लियर. प्रिटी मतलब ब्यूटीफुल. पॉल्यूशन. पॉल्यूशन aggravation, expansion, contamination, creation. pollution तो पर aggravation का मतलब होता है ना, aggravate करना मतलब किसी को उकसाना, गलत चीजों को बढ़ावा देना, provocation करना. expansion का मतलब है और भी बढ़ाना. और contaminate करना गंदगी, contaminate. easy है ना, word power देखो कितने easy आया है. One who treats and prevents diseases of the heart. Adulteration is milavati. हाँ. Pediatrician तो जो child वाला बच्चा होता है, child specialist. Heart वाला specialist तो सबको पता है. Cardiologist, cardiologist. और पैथोलॉजिस्ट जो टेस्ट वगैरह करते हैं ना, टेस्ट. ओके, जो डिजीज की टेस्ट करते हैं, डिजीजेस वगैरह के पैथोलॉजिस्ट के पास जाते हो. न्यूरोलॉजिस्ट तो नर्वस सिस्टम, नर्व्स, ब्रेन, वो सब करो. पैथो डिजीज, डिजीज वगैरह क्या है. इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, चलो बताओ.
जस्टिफिएबल एलिजिबल जिसकी हैंडराइटिंग पढ़ी जा सके. जस्टिफिएबल मतलब जस्टिफाई, एलिजिबल एंड आइडेंटिफिएबल. ये जो दिल्ली सेमिनार हो रहा है ना इसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगी, आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो. ओके चलो इसका मैं अपने यूट्यूब कम्युनिटी पे शेयर कर दूंगी. जस्टिफिएबल का स्पेलिंग रॉन्ग है, सॉरी जस्टिफिएबल सही है, आइडेंटिफिएबल FIA आएगा, FIA. Never wrong or making a mistake. सारे चीज आ सकते हैं, प्लस वाले भी, नहीं सिर्फ प्लस वाले थोड़ी है, उसमें हमारे प्लस वाले स्टूडेंट्स भी आ सकते हैं, फ्री है सबके लिए है, प्लस वाले स्टूडेंट्स भी आ सकते हैं, कोई भी स्टूडेंट आ सकता है और अपने दोस्तों को भी ला सकते हैं, अपने फ्रेंड को, सबके लिए ओपन सेमिनार है ना, ओपन सेमिनार है. प्लस वाले भी आ सकते हैं, जो प्लस पे नहीं है वो भी आ सकते हैं, और जो अपने फ्रेंड को भी ला सकते हो, अपने फ्रेंड को 10, 20, 30, 40 जो भी फ्रेंड है ले आ, जो लोग कभी गलती नहीं करते हैं. ओके इनफॉलिबल, इनकेपेबल का मतलब तो जो योग्य नहीं है, और इनएलिजिबल का मतलब योग्य नहीं है, सब सेम ही है. अनट्रस्टवर्दी जिस पर भरोसा नहीं कर सकते, प्लस माइनस कुछ भी आ सकते हैं, दोस्त वगैरह को भी ला सकते हैं. According to a recent survey, around 60% of children under the age of 5 years has been immunized. जो बच्चे दिल्ली में हैं, NCR में, मतलब जो दिल्ली आ सकते हैं वो सारे अटेंड करेंगे. आप अपने टीचर से ऑफलाइन मिल सकते हो. According to a recent survey, 60% of बच्चे ना, हाँ क्या होगा यहाँ पे एरर है, और हैज बीन भी नहीं होगा, हैव होगा, 60% ऑफ चिल्ड्रेन, यहाँ पे आंसर हैज बीन भी नहीं होगा. परसेंटेज को कभी भी मेन सब्जेक्ट नहीं मानेंगे, मेन सब्जेक्ट तो चिल्ड्रेन, तो आंसर है हैव बीन इम्यूनाइज्ड. और बीन के साथ वर्ब का बच्चों को इम्यूनाइज कर दिया गया, हैव बीन भी होगा. वहाँ से लाइव पता नहीं, बोला तो था, मुझे बहुत श्योर नहीं है कैसे करेंगे क्या करेंगे, गूगल फॉर्म में शेयर कर दूंगी. द ऑफिसर सुपरिटेंडेंट आस्क्ड मी टू लीव माई जॉब एप्लीकेशन डैश इन. सुपरिटेंडेंट ने बोला कि चलो जॉब एप्लीकेशन मेरे पास छोड़कर चले जाओ. अच्छा ये छोटा सा एरर है ना, छोटा सा एरर है, लीव दिस. सबका बिहाइंड का, मेरे पीछे छोड़ के थोड़ी चले जाओ. लेकिन देखो लीव something with someone, किसी के पास कोई चीज छोड़ कर जा रहे हो ना, तो with लगाते हो. और कभी कभी टीचर बोलते हैं ना, अरे मेरे ऊपर छोड़ दो मैं आपको सब समझा दूंगा, लीव इट टू मी, लीव इट टू मी, लीव इट टू मी का मतलब है ये मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है मेरे ऊपर छोड़ दो मैं इसको हैंडल कर लूंगी. लेकिन यहाँ वो सेंस में नहीं जा रहा है ना, एप्लीकेशन को मेरे पास छोड़ दो, लीव इट विथ मी, विथ होगा, विथ गलत कर दिया है बहुतों ने, लीव इट विथ मी. जॉब एप्लीकेशन कोई चीज है ना जो मेरे पास रख कर चले जाओ. और एक होता है लीव फॉर मी भी होता है, मेरे लिए भी कुछ लीव कर दो, लीव फॉर मी, मेरे लिए भी बचा कर रखो, विथ होगा, विथ, विथ गलत हो गया ये. हाँ incorrectly word, composition, identification, application and suspension. Leave it to me, leave it to me, मेरे ऊपर छोड़ दो ना, मैं handle कर लूँगी.
सस्पेंशन, बाकी सब में तो टी आई टी आई ऑन आ रहा है, सस्पेंशन में ऐसा ही। आई रिसीव्ड अ लॉट ऑफ डैश फ्रॉम माई फैमिली मेंबर्स हु आर वेरी एनकरेजिंग। सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक भी कर देना है। मेरे को अपने फैमिली मेंबर से क्या मिला जो हु आर वेरी एनकरेजिंग, जो मुझे बहुत एनकरेज करते हैं। अगर मैं आपको एनकरेज करूंगी तो आपको इंस्पिरेशन मिलेगा ना, इंस्पिरेशन मिला है। हाँ, मेरा एक्सपेक्टेशन थोड़ी मिला, इन्विटेशन एम्बिशन महत्वाकांक्षा नहीं मिला। अनुराग आस्क्ड मी व्हाई डिडंट यू पे द ड्राइवर। अनुराग ने मुझसे बोला व्हाई डिडंट यू पे द ड्राइवर। इंस्पायर करो, मेरे से कुछ भी इंस्पायर होने की जरूरत नहीं, मेरे को आप लोग इंस्पायर करोगे। अच्छा अच्छा परफॉर्म करके ना मेरे को इंस्पायर करो। आशीर्वाद दे दिया। आपका कौन सा एग्जाम है राजू, आपका कौन सा एग्जाम है? आपको भर भर के आशीर्वाद दे दिया है, काफी दिनों बाद भी आ रहे हो आप। आपको एकदम बेस्ट ऑफ लक, आशीर्वाद फुल ऑफ, अच्छा जाएगा आपका एग्जाम। ये देखो ये सेंटेंस फुल स्टॉप वाला है और फुल स्टॉप वाले सेंटेंस में इन्वर्जन नहीं चाहिए सब्जेक्ट के पहले वर्ब। यहाँ भी इन्वर्जन कर दिया, सब्जेक्ट के पहले वर्ब। अब देखो अनुराग ने मेरे से पूछा, मेरे से अनुराग ने पूछा ठीक है, why I didn't, अच्छे से देखो why I didn't pay और why you didn't pay। एक्टिव पैसिव में सॉरी नरेशन में ना, नरेशन में क्वेश्चन में यू होता। अगर अगर डायरेक्ट सेंटेंस रहता ना तो ऐसा रहता अनुराग, ऐसा रहता अनुराग सेड टू मी, डायरेक्ट में ऐसा रहता अनुराग सेड टू मी व्हाई डिडंट यू पे ठीक है। ये रहता आपका उसमें डायरेक्ट में, बट ये सेंटेंस तो इनडायरेक्ट में, और इनडायरेक्ट ना ये जो यू है ये आई में बदलेगा, तो आई डिडंट मेरे से पूछा। ये सेंटेंस इनडायरेक्ट है ना, तो इनडायरेक्ट में तो यू आई में बदलता है ना, आई डिडंट। ग्लिटरिंग का एंटोनिम, ग्लिटरिंग का एंटोनिम बोला, ग्लिटरिंग का मतलब होता है बहुत चमकदार, वेरी शाइनी, चमकदार चमकदार अट्रैक्टिव। स्टिंजी का मतलब है कंजूस, और शाइनी तो इसका सिनोनिम हो गया, हमें तो एंटोनिम करना है। डल दीज डेज माई पेरेंट्स आर बीइंग टेकन ग्रेट केयर ऑफ माई हेल्थ एंड वॉन्ट मी टू ईट नट्स एंड सीड्स विच आर रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स। इजी है, इन दिनों मेरे पेरेंट्स मेरे हेल्थ की खास ध्यान रखते हैं। दीज डेज है ना, तो वर तो नहीं होगा, दीज डेज प्रेजेंट में जाए इतना ईजी है, और आर बीन टेकन थोड़ी होगा। ओके, आर यहाँ इज एम आर के बाद ना बीन लगा दिया तो सेंटेंस पैसिव हो जाएगा, बट ये पैसिव थोड़ी जाना चाहिए, आर टेकन। अगर ऐसा रहता दीज डेज माई पेरेंट्स टेक्स होता, और दीज डेज माई पेरेंट्स आर टेकिंग, अगर अगर ऐसा आया होता क्वेश्चन में तो क्या करते, क्योंकि दोनों प्रेजेंट है, ये सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट है, और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। चलो मुझे बताओ
कि अगर अगर ये सब ऑप्शन ना छोड़ के ये आया होता तो आप किसको टिक करते? किसको किसको क्यों मतलब इसको क्यों नहीं करते अभिजीत? इसको क्यों नहीं करते? माय पेरेंट्स, अच्छा मतलब टेक्स नहीं लगाती, टेक भी लगाती। माय पेरेंट्स टेक केयर ऑफ मी, मेरे पेरेंट्स मेरी देखभाल करते हैं, तो ये तो सही है। बस दीज डेज, हमेशा नहीं करते, इन दिनों मेरी खास ध्यान रखी जा रही है, तो इन दिनों मतलब कंटिन्यूस में हो रहा है, कंटिन्यूस में, टेम्प्ररी एक्शन है ना, टेम्प्ररी एक्शन के लिए ये रहता। अगर ऐसा रहता दीज डेज माई पेरेंट्स हैव बीन टेकिंग और आर टेकिंग, तो फिर भी आर टेकिंग ही होता। हैव बीन टेकिंग ना परफेक्ट टेंस है, जो बताता है काम तब से शुरू हुआ और अब तक चल रहा है, लेकिन यहाँ तो पता नहीं चल रहा है ना कि पेरेंट्स तब से लेकर अब तक कर रहे हैं, तो वहाँ भी आर टेकिंग ही हो। टेम्प्ररी एक्शन के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस या पास्ट कंटिन्यूस लगा। परवेशिस टीचर मेक्स मी फील एज इफ ही इज डैश, परवेश के, हाँ परवेश के पेरेंट्स मेक्स मी फील, पर हाँ डी और सी दोनों आ रहा है, सी भी आ रहा है ना। परवेश का टीचर, परवेशस टीचर मेक्स मी फील, टीचर मेरे को फील करवा रहे हैं एज इफ ही इज, अच्छे से देखो इन्फ्लुएंशियल होगा। अच्छे से देखो, थोड़ा सा आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है। देखो दो ऑप्शन तो छट ही गया, इनविजिबल और इनअप्रोप्रिएट। परवेश का टीचर, किसका टीचर? परवेश का टीचर मेक्स मी फील, मेक्स हिम फील, परवेश का टीचर उसको फील करवाता है एज इफ, टीचर थोड़ी फील करवाएंगे कि अरे स्टूडेंट को फील करवाएंगे तुम तो बहुत प्रभावशाली हो, लेकिन टीचर उसको फील करवाता है ना कि तुम इनकॉम्पिटेंट है, तुम अयोग्य हो। ओके हाँ, इनकॉम्पिटेंट ही आंसर होगा। परवेश का टीचर उसको ऐसा फील करवाता है ना एज इफ कि परवेश पर टीचर फील करवाता है जैसे कि परवेश एकदम अयोग्य है, पढ़ाई में अच्छा नहीं है, प्रभावशाली थोड़ी है, इनकॉम्पिटेंट हो, मैं आपको थोड़ी फील करवाऊंगी, अरे तुम आप लोग तो स्टूडेंट को तुम आप लोग तो बहुत इन्फ्लुएंशियल हो, प्रभावशाली हो, डिग्रेड के सेंस में अयोग्य हो। द हेल्थ मिनिस्टर हैज बीन डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल, हैज ऑक्सिलरी वर्ब है और पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव होगा ना, हैजंट ही, सी कहाँ से हो जाएगा, टेंस थोड़ी बदलता है, क्वेश्चन टैग बनाना है, हैजंट ही पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव बनाना। अ टर्निंग पॉइंट बोलते हैं ना, मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, ये तो मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट। ये मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, इसका मतलब है यस टर्निंग पॉइंट है, मतलब ये पॉइंट एक ऐसा है ना जहाँ एक इम्पोर्टेंट चेंज स्टार्ट हो रहा है।
डी है, डी 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 टर्निंग पॉइंट। नेक्स्ट अब आ गया आपका अरेंजमेंट आ गया, अरेंजमेंट नहीं क्लोज टेस्ट आ गया। चलो इसको बताओ, जैसे मूवी में इंटरमिशन होता है। Started. बच्चे हमारे started बोल रहे हैं। With COVID-19 cases going down in history, going down in Delhi. Go down करना मतलब कम हो रहा था। Many hospitals have dash, have के साथ verb का third form. बहुत सारे have started shifting. ठीक है, have started shifting. यहाँ shifting gerund है. Their focus to other facilities for the treatment of COVID का केस कम हो रहा है ना, तो सबका ध्यान अब नॉन कोविड पेशेंट की तरफ जा रहा है। At a time when dash pressure, when the pressure of किसी खास की प्रेशर हो रही है ना, the non COVID patient, the when the pressure of non COVID patient continues to increase, the municipal corporation ने hospitals को बोला है कि रिटेन बैकअप हेल्थ वर्कर्स। क्या बोला है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सिंगुलर है ना, तो हैव तो होगा नहीं, और हैज के बाद V3, और हमें वर्ब चाहिए। इज एम आर जब तक नहीं लगेगा ING वर्ब होगा नहीं, तो हैज एडवाइस इजी है। ये पिछले एग्जाम का है, ठीक है, 11th या 12th अक्टूबर का है, बहुत एडवाइस किया है। हैज एडवाइज्ड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने एडवाइस किया हॉस्पिटल्स को कि रिटेन बैक हेल्थ वर्कर्स फॉर 100 बेड्स एंड रिमूव द रिमेनिंग डैश टू अदर यूनिट्स। यहाँ मुझे लग रहा है कि कहीं रॉन्ग ना कर दो, मुझे लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि मुझे लग रहा है ना मेंबर्स तो नहीं होगा, गार्ड तो होगा नहीं। आपको लगेगा कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने बोला है कि कुछ को तो 100 हेल्थ वर्कर्स 100 बेड्स के लिए रहेंगे एंड रिमूव द रिमेनिंग डैश, तो आपको लगेगा ना कि बाकी सारे पेशेंट को ना दूसरे जगह पे डाल दो। लेकिन ध्यान दो, हाँ यस यस ध्यान दो ना, यहाँ पे लिखा है एंड मूव, ये किसके लिए, ये मूव किसके लिए, ये जो वर्ब है किसके लिए, ये टू रिटेन है। टू रिटेन मतलब हेल्थ वर्कर्स को ले आओ, हेल्थ वर्कर्स जो काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स वगैरह जो काम कर रहे हैं, स्टाफ वगैरह है, उसको वापस ले आओ एंड बाकी को दूसरे यूनिट में डाल दो। बाकी स्टाफ को, स्टाफ हेल्थ वर्कर के लिए है, हेल्थ वर्कर में वही डॉक्टर नर्सेज हैं, तो मत कर देना, पेशेंट का सेंस मत डाल देना। मतलब टू रिटेन हेल्थ, कुछ को तो रख लो और बाकियों को दूसरे जगह पे शिफ्ट कर दो, ताकि वो जो दूसरे पेशेंट है ना जिनको कोविड नहीं हुआ है, कैंसर वगैरह वाला पेशेंट, उनकी सेवा में लग जाए। हाँ तो क्या होगा, फ्रॉम अदर डिजीजेस, और भी पेशेंट जो अदर डिजीजेस से सफर कर रहे हैं, सिमिलर टू कैंसर नहीं है, और सारे बहुत सारे डिजीजेस जिसमें सच एज मतलब जैसे कि एग्जांपल दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बाकी डिजीज को कैंसर से कंपेयर कर रहे हैं, सच एज। चलो इसी बात पे स्कोर बताइए। स्कोर बताइए, अभी तो एक और है।
एमटीएस में मुझे एकदम 25 में 25 मार्क्स ला के दोगे, इतना एमटीएस का प्रैक्टिस कर रहा है। वैसे तो सबका प्रैक्टिस करवाया है मैंने, हर एग्जाम के पहले भरपूर प्रैक्टिस करवा के भेजती हूँ। 23 आया शीतल, अनुराधा हैज गॉट 23, केसरी हैज गॉट 24, वन एडीएम ही हैज स्किप्ड बाय आई डोंट नो, तेज कुमार हैज गॉट 24, आई थिंक नन ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट 25 आउट ऑफ 25, एसएससी करेंट 24, एज वेल एज नहीं होगा, एज वेल एज का मतलब है के साथ, राम एज वेल एज हिज ब्रदर, विशाल हैज गॉट 23, व्हाट अबाउट द गर्ल्स, ये गर्ल्स कहाँ हैं, गर्ल्स नहीं दिख रहे हैं, फर्स्ट टाइम आई गॉट 23, विशाल सेज, सीमा का ट्वेंड वाला रॉन्ग हो गया है, विथ वाला रॉन्ग हो गया, कोई चीज किसी के पास रख के जा रहे हो ना, मेरे पास रख के चले जाओ, कीप इट विथ मी, आप न्यू बैच ज्वाइन करना चाहते हो ना तो आप ऐसा करो, नया बैच में तो पहला टॉपिक वेडनेसडे को खत्म हो जाएगा, तो आप थर्सडे को नया टॉपिक शुरू होगा, ज्वाइन कर लेना, थर्सडे फ्राइडे जो कुछ भी है नया आ जाना, आप बैच में आना 3:30 बजे, और एक टॉपिक आपका जो छूट गया है बाद में रिकॉर्डेड देख लेना, फिर उस टॉपिक को पढ़ाऊंगी देख लेना। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, रश्मि हैज गॉट 23, आदित्य हैज गॉट 25, गर्ल्स का मैं देख रही हूँ, साउंड बहुत कम हो गया है, मेरे क्लास का टाइमिंग क्या है, पहले तो टाइमिंग का स्पेलिंग सही लिखोगे, टाइम में ई लगता है बट जब टाइमिंग बनता है तो ई हट जाए, क्लोजेस्ट इजी आता है, एमटीएस में इजी आता है। अच्छा बिहार से कम स्टूडेंट जुड़े हुए हैं ना, चलो लेकिन मेरे बैच में तो बिहार से बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, मैं समझ गई हूँ, इंटरनेट तो इसका मतलब है कि अनअकैडमी का क्लास भी आप लोग नहीं देख पा रहे होंगे, ऐसा तो नहीं है लेकिन बिहार में इतना भी तो नहीं हालत खराब है कि इंटरनेट, एक दो दिन तक डिस्टर्ब था बट ऐसा तो नहीं है कि अभी तक डिस्टर्ब ही चल रहा है। चलो प्रिया हैड स्ट्रॉन्ग इनफ टू फाइट, प्रिया हैड स्ट्रॉन्ग, प्रिया के पास स्ट्रॉन्ग था, हैड पोजीशन बता रहा, प्रिया खुद स्ट्रॉन्ग थी तो प्रिया वाज स्ट्रॉन्ग इनफ। अच्छा 20 डिस्ट्रिक्ट में प्रॉब्लम है, प्रिया स्ट्रॉन्ग थी लाइफ के सारे ऑड्स विपरीत परिस्थितियों से फाइट करने के लिए। वर्ड टू बी टेकन अबैक, ये तो कई बार आए, टेकन अबैक, आई वॉज टेकन अबैक बाई हिज रूड बिहेवियर, मैं तो उसके रूड बिहेवियर पे, मैंने तो उसको बहुत अच्छा सोचा था, मैं तो सरप्राइज रह गई कि उसने ऐसा बिहेव किया। सरप्राइज सरप्राइज, ठीक है ना, बैक का मतलब इरिटेटेड नहीं है, बहुत चक्का रह जाना, सरप्राइज रह जाना। रेडियंस, ये रेडियंस चमक वाला आइडियम्स कुछ ज्यादा ही आ गया। सेशंस अच्छे लगे तो लाइक भी कर देना। रेडियंस का मतलब है चमक, जैसे देखते हो ना रेडियंट स्किन, ये क्रीम लगाओगे ना तो आपका स्किन एकदम चमकने लगेगा, रेडियंट, रेडियंट मतलब चमकदार, और ग्लिटर का मतलब भी है चमक, शाइन, ब्रिलियंस का मतलब भी है चमक, ग्लो, सुंदर, डलनेस, डलनेस।
चिल्ड्रन हैज टू ब्रिंग देयर ओन फूड. चिल्ड्रन प्लूरल है, चिल्ड्रन के साथ हैज तो नहीं होगा, हैव और हैव हैव. इन द आई ऑफ द स्टॉर्म, ऑप्शंस बहुत क्लोज है. इन द आई ऑफ स्टॉर्म, फिफ्थ का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी होता है. स्टॉर्म मतलब तूफान. सब एक दूसरे का देख के चीट करेंगे. इन द आई ऑफ स्टॉर्म का मतलब होता है विवादित सिचुएशन, कॉन्ट्रोवर्शियल सिचुएशन. कॉन्ट्रोवर्शियल सिचुएशन में पड़ जाना. Who has distributed these sweets among the children? Very good, Abhijit. Very good. काफी दिनों बाद no error आया. No error है हाँ. No error. Who has distributed sweets? बहुत सारे बच्चे हैं तो तू सही है, अमंग सही है. पैसिफाई करना. सारे प्रीवियस पेपर है और प्रीवियस पेपर बनाने के बाद आपको पता चल गया है कि वर्ड पावर के लिए ना 10 जगह भटकना नहीं है. जो क्लास में करवा रही हूँ काफ़ी है. पैसिफाई करना, शांत करना, सूद करना. और ये सब तो सारे एंटोनिम. लीज, लेगेसी, लीव एंड लेजेंड. इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बता. लेजेंड, लेजेंड का स्पेलिंग रॉन्ग है. एल ए जी ए लगाने की जरूरत ही नहीं थी. आप पेन का साइज मैंने मैक्सिमम लिया है. पेन का साइज मैक्सिमम लिया है. पेन का साइज तो मैक्सिमम लिया है. ये सब तो लेजर पॉइंट है, हाइलाइटर है. देखो हाइलाइटर डाल दिया. देखो ऐसा ऐसा टाइप्स. चलो हाइलाइटर, लेकिन हाइलाइटर डाल दूंगी तो लिख भी नहीं पाऊंगी. क्या क्या करवा दिया. चलो दिख रहा है ना सबको, तो दिख ही रहा है. इमेजिनरी लाइन Dividing the earth into northern and southern hemisphere. क्या बोलते हैं? Equator, equator. सबको पता है. Earth, earth को northern and southern hemisphere में divide करता है. Equator. पढ़ाई होगा जो. Shrilekha is Mr. Singh's daughter. श्रीलेखा है वो मिस्टर सिंह की बेटी है. मिस्टर सिंह का के की का सेंस आ रहा है. और मिस्टर सिंह बहुत सारे नहीं है जो पहले प्लूरल बनाओ. ये हो डी कहां से हो जाएगा. मिस्टर सिंह डॉटर नहीं हो, मिस्टर सिंह डॉटर. द सन इज वेरी लार्ज देन अर्थ. सन और अर्थ का कंपैरिजन हो रहा ना, तो दैन तो आएगा, दैन तो आएगा ही. ठीक है.
और यहाँ पे देन नहीं लगाया, और देन आएगा तो कंपेरेटिव डिग्री आएगा, और कंपेरेटिव डिग्री के साथ वेरी तो नहीं आता है, बट मच के साथ कंपेरेटिव डिग्री आ, मच बेटर, मच लार्जर, बी होगा, बी बी, मच वेरी मच लार्जर देन। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना, ऑफशूट, ऑफस्प्रिंग का मतलब तो बच्चे होंगे, चिल्ड्रेन, ऑफशूट का मतलब होता है ब्रांचेस, ऑफिशिएट करना, जब कोई नहीं रहे ना तो किसी के बदले किसी को कार्यभार संभालने के लिए बनाया गया है, तो वो ऑफेंस का मतलब है क्राइम, और ऑफेंस का स्पेलिंग में ई एन सी ई, इन्होंने ए एन सी लगा। डैश दिस वाटर लुक्स क्लीन, इट मे बी कंटेमिनेटेड। ये सब सेंटेंस आपको क्लास में कितनी बार बताएं, सेंटेंस कॉन्ट्रेडिक्टरी जा रहा है, यद्यपि पानी में, पानी देखने में तो साफ लग रहा है बट इसमें गंदगी हो सकता है, कॉन्ट्रेडिक्शन जा रहा है, तो बिकॉज तो कारण बताता है, इनकेस कंडीशन बताता है, ये भी कॉन्ट्रेडिक्शन बताता है और ये भी कॉन्ट्रेडिक्शन बताता है, बट ये प्रेपोजिशन है और ये कंजंक्शन है और हमें कंजंक्शन चाहिए, कैसे पता, दिस वॉटर सब्जेक्ट है और लुक्स वर्ब है, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज बनाता है, प्रेपोजिशन के साथ क्लॉज थोड़ी हो। प्रॉब्लम्स ऑलवेज डैश व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्ट देम, जब आप प्रॉब्लम जब एक्सपेक्ट नहीं करते हैं ना उसी समय प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। किसी को अराउज करना मतलब क्या है, किसी को प्रोवोक करना, किसी को अराउज करना, उत्तेजित करना, प्रोवोक करना, और हाँ रेज मतलब उठाना, बढ़ाना, प्रॉब्लम्स अराइज अपने आप उत्पन्न, और राइज का मतलब तो इंक्रीज करना है, अराइज मतलब उत्पन्न होना, प्रॉब्लम्स अराइज हो जाता है, अराइज, अराउज नहीं होगा, अराउज का मतलब है प्रोवोक करना। If my memory, हाँ ये पता नहीं मुझे लग रहा है कि wrong करोगे, क्योंकि ये एक phrase का error है, इस बात इस question में ना हो सकता है बच्चा 25 से 25 लाने में चूक जाए, हो सकता है 24 ही लाए, बस यही sentence एक आपको परेशान करेगा क्योंकि ये एक phrase है। चलो answer बताओ, एक आध ऐसा question दे देंगे ना, if my memory serves me right, ये एक सर्व मेमोरी, जहाँ तक मेरी याददाश्त है, जहाँ तक मैं याद कर रहा हूँ, जहाँ तक मेरी याददाश्त मुझे सही बता रहा है, अभिमन्यु को एक व्यक्ति ने नहीं मारा, बहुत सारे, जहाँ तक मुझे याद है, तो ये एक फ्रेज है जिसके साथ सर्व वर्ड लगा है, सर्व लगा है, इफ माई मेमोरी सपोर्ट्स मी थोड़ी होगा। रैप्चरस, ये तो कई बार बताया है, एक तो सेल्स रप्चर होता है, फट रहा है, ओके, ब्रेक, सेल्स ब्रेक, रप्चर होना, और एक रैप्चर भी बताया है, रैप म्यूजिक बना बना के सबको एंटरटेन कर रहा है, खुश कर रहा है, रैप्चरस का सिनोनिम पूछा है, मेरे डिलाइटेड, डिलाइटेड है। To get ready, अरे ये तो बहुत इजी पूछ दिया। Get ready, ये तो क्या, प्रिजर्व करना मतलब बचाना, चीजों को सर्व कर, सेव करना, कंजर्व करना, और प्रोटेक्ट करना तो पता है, प्रिटेंड मतलब दिखावा करना, नकली दिखा, प्रिपेयर, ये कोई पूछने की चीज है। आई वॉज वॉचिंग अ होल सीन वेरी केयरफुली,
स्पेसिफिक सीन की नो एरर है ना, ना एरर है। आई वॉज वॉचिंग, मैं पूरे सीन को ना बहुत ध्यान से वॉच कर रहा था। तो किसी खास सीन की बात हो रही है ना, द होल, द होल मतलब किसी खास खास चीज का पूरा, द होल। आई स्टेड डैश माय अंकल्स हाउस लास्ट नाइट। I stay at, stay के साथ at, stayed at, exactly uncle के घर पे रहा, in नहीं लगाना, at, specific location की बात हो रही। Precise, पिछले साल इन्होंने क्या किया था ना, देखो इसलिए मैंने ना पहला वाला mock test में इस बार पिछले साल उन्होंने वो नहीं पूछा था एक्टिव पैसिव और नरेशन, ये नहीं पूछा था पिछले साल एमटीएस में, और रीअरेंजमेंट भी नहीं पूछा था। याद रखना है, पिछले साल एक्टिव पैसिव नहीं पूछा था, नरेशन भी नहीं पूछा था, और रीअरेंजमेंट भी नहीं पूछा था। इन्होंने क्या किया था ना, दो के जगह तीन एरर डाल दिया था, और इम्प्रूवमेंट दो के जगह तीन सेंटेंस इम्प्रूवमेंट डाल दिया था। ओके okay, और फिलिप्स ना, फिलिप्स उन्होंने चार पूछ लिया था। ठीक है, तो याद रखना है, पिछले बार एमटीएस में एक्टिव पैसिव नहीं आया था, उसे आज तो मैंने कुछ सेट्स ऐसे बनाए हैं ना जिसमें एक्टिव पैसिव डाल दिया है, और कुछ सेट्स ऐसे बनाए हैं जिसमें एक्टिव पैसिव नहीं भी डाला है, बीच बीच में एक आध में डाल भी दिया है, ताकि अगर उनको नया पूछने का मन हो ना। मॉक का मतलब क्या होता है, मॉक का मतलब होता है ना प्रैक्टिस करो, तो ऐसा बात नहीं है। बीच बीच में मैं आपको 10 सेट करवाने वाली हूँ, तो 3-4 सेट में एक्टिव पैसिव डाल दूंगी, कि अगर उनका इस साल पूछने का मन भी हुआ ना, तो आप तैयार रह के जाओ। ठीक है, आप तैयार होके जाओ। और मैंने क्या डालना है, एक वॉइस डालना है और एक नरेशन डालना है, दो ही अलग डाल। तो पहला वाला में मैंने डाल दिया था, लेकिन शायद सेकेंड वाला में मैंने नहीं डाला है, एरर को बढ़ा दिया है, इम्प्रूवमेंट को बढ़ा दिया है। और फिलिप्स आपके सीजीएल में दो आता है, लेकिन एमटीएस में 4-4 फिलिप्स आ गया, 4-4 आ गया। पीक्यूआरएस आता है, लेकिन शायद पिछले बार नहीं पूछा था। सोनल देखो, पिछले बार का है ना ये, अभी जो मैं करवा रही हूँ, ठीक है, जो मैं करवा रही हूँ ना, तो वो तो पिछले बार का ही ईयर का है, तो अरेंजमेंट नहीं आता। तो किसी सेट में मैं डाल दूंगी, किसी सेट में हटा लूंगी, प्रैक्टिस हो जाए। प्रिसाइज का मतलब होता है समथिंग विच इज वेरी एक्यूरेट, वेरी करेक्ट, एक्चुअल है, डेफिनेट है, करेक्ट है, ये सब सिनोनिम्स हैं। इन्होंने एंटोनिम्स पूछे हुए, उसे क्या फर्क पड़ता है, एक आध आप अरेंजमेंट कर भी लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं। शायद आ जाए, हाँ आ गया आपका। सब आपको यस पुष्पेंद्र, सब प्रैक्टिस करके जाना। The Department of Post, Post वाला Department मतलब Postal Department, has dash intercity road transport of parcels from Kolkata, Calcutta to Guwahati, Calcutta to Guwahati, Bhubaneswar and Patna. तो has के साथ तो हर बच्चे को पता है verb का third form. देखो इतना easy आता है, close test बहुत easy आता है. The interstate dash of parcel, the interstate मूव्स कहाँ से हो जाएगा, द लगा है, इंटरस्टेट द लगा है, हमें नाउन चाहिए ना, इंटरस्टेट वर्ब थोड़ी चाहिए, मूवमेंट एक जगह से, इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ पार्सल्स बाय रोड, मूवमेंट होगा, मूवमेंट। चलो नेक्स्ट बताओ, by road, comes amid the inability of the railways, ठीक है, the interstate,
मूवमेंट ऑफ पार्सल्स, तो हमें मूवमेंट के लिए अपना वर्ब लगाना है. मूवमेंट सिंगुलर है तो सिंगुलर लगाएं, और सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में जा रहा है ये तो होगा ना, प्रेजेंट टेंस में जा रहा है ये तो होगा ना. ये एक जनरल बात कही जा रही है, प्रेजेंट में रखो. कम्स 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 अमिड द इनेबिलिटी ऑफ द रेलवे. रेलवे इनेबल है एडिक्वेट स्पेस एंड प्रेफरेंस देने के लिए. हमें अपना वर्ब मिल गया है यहाँ पे, जो कम्स लगाया है ना, हमें अपना वर्ब मिल गया है. ठीक है, वर्ब मिल गया है. अब हमें वर्ब नहीं चाहिए, ये हटा. ठीक है, ये हटा नहीं चाहिए. ये लाया गया है किस लिए, किस उद्देश्य से? क्योंकि रेलवेज इनएडिक्वेट स्पेस नहीं दे पा रहा था टू प्रोवाइड. प्रोवाइडिंग नहीं होगा, प्रोवाइडिंग का नहीं होगा यहाँ पे. ठीक है, इस उद्देश्य से लाया गया. अमिड द इनएबिलिटी ऑफ द रेलवेज, रेलवेज प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था एडिक्वेट स्पेस एंड द प्रेफरेंस गिवन डैश द एयरवेज टू पेरिशेबल कमोडिटीज बाय द एयरवेज बाय. By the railways, by the railways के द्वारा preference दिया जा रहा था perishable commodities को, मतलब वो commodities जो जल्दी खराब हो जाए. उसको plane वगैरह से लाते हैं, जो fruits वगैरह जल्दी खराब हो जाता है. Let's start. ये class alternate days होती है. Start किया जाए. The school usually starts at 8 a.m. and is closing at 3 p.m. Answer बता. बिल्कुल गुलशन, बेसिक से करना है ना तो फ्राइडे को आ जाना. 3:30 बजे वाले बैच में फ्राइडे से एकदम नया चैप्टर शुरू होगा. ओके, फ्राइडे को आ जाना. वेरी गुड, वेरी गुड. द स्कूल यूजुअली, स्कूल 8 बजे शुरू होता है और 3 बजे खत्म हो जाता है. स्टार्ट्स हमारा यूजुअली, अक्सर ये काम रूटीन में होता है. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस रखना है, तो ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये एंड से जुड़ा है, इसको भी सिंपल प्रेजेंट टेंस रखो. एंड क्लोजेज है, इस क्लोजिंग टेम्पररी एक्शन है. जैसे द शॉपकीपर इज क्लोजिंग द शॉप, शॉपकीपर शॉप को बंद कर रहा है, ये टेम्पररी एक्शन है. बट ये तो एक यूजुअल एक्शन है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में. नेक्स्ट, Mrs. Chaudhary goes to fly to Germany and France next weekend. ये भी 2021 का ही है. ओके, पिछले साल का ही है, ये भी पिछले साल का ही. Mrs. Chaudhary is going to fly to, yes, next weekend. नेक्स्ट वीकेंड मिस्टर चौधरी जाने वाले हैं जर्मनी. मतलब उनका फिक्स टाइम टेबल का सेंस आ रहा है. इज गोइंग टू फ्लाई, हाँ, मिस्टर चौधरी इज गोइंग टू. इज गोइंग टू इमीडिएट फ्यूचर के लिए है. नॉट गेट इन टू द कार, इट हैज नॉट बीन क्लीन इन साइड. Not get into the car. Car के अंदर मत जाओ. Car साफ सुथरा नहीं है. Yes, यहाँ पे ना आपको आपको एक एडवाइस दिया जा रहा है. ये imperative sentence. Imperative sentence है, एडवाइस दिया जा रहा है. तो not get into नहीं होगा. Don't get into. Do not. Don't get into. चेतावनी दी जा रही है. Easy है. The broken parts of objects found in an ancient site. Broken parts, किसी भी चीज का broken, अवशेष, जिसको ruins बोलते हैं. Ruins, अवशेष, remnants. किसी भी चीज का ब्रोकन पार्ट है.
रिम्स अवशेष वेस्टेज बोलते हैं. वेरी गुड. खंडहर मतलब थोड़ा खाली जगह, अलग है खंडहर वेस्टेज. रियूंस होगा रियूंस, हरप जैसे इंडस वैली हरप्पा खुदाई होती है, रियूंस अवशेष मिलता है और हमें हरप्पा इंडस वैली के बारे में पता चलता है. फॉरगिव और पार्डन सम रॉन्ग डूइंग और एन ऑफेंस. फॉरगिव करना मतलब माफ़ कर देना, कुछ गलत काम है जिसको आपने कोई गलती वगैरह को माफ़ कर दिया, अनदेखा कर दिया है माफ़. डेब्रिस भी है, वेरी गुड. अब है डेब्रिस, रिमेन्स रियूंस रेमनेंट्स वेस्टेज. कंडोल करना मतलब सिंपथी दिखाना, कंडोल किसी को अपना सिंपथाइज करना, सहानुभूति दिखाना, दुख में सहानुभूति दिखाना. कंडोल करना ना ओवरलुक कर देना, अनदेखा कर देना, पार्डन कर देना. और कॉन्विक्ट का मतलब तो दोषी हो गया. कॉन्विक्ट कॉन्डेम करने का मतलब है क्रिटिसाइज करना. तो कंडोन होगा, कंडोन का मतलब है कोई भी चीज को नजरअंदाज कर देना, कुछ गलत भी है माफ कर दिया, कंडोन कर दिया. जस्ट व्हेन आई सिट डाउन देन द डोरबेल रैंग. दैन लगा है ना, दैन दैन हार्डली के साथ तो वेन लगता है, हार्डली के साथ तो वेन लगता है, लेकिन यहाँ तो दैन लगा हुआ है तो ये तो आएगा नहीं. और एस सून एस के साथ भी दैन नहीं आता है. ओके, एस सून एस के साथ भी दैन नहीं आता है. नो सूनर और इन्वर्जन भी होता है. देखो सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रहा है. नो सूनर क्या है? नो सूनर एक एडवर्ब है. और ईयर लगा है, ईयर किस लिए लगाते हैं? कंपेयर करने के लिए, दैन लगा है. और जब भी बाकी एडवर्ब से शुरू हो इन्वर्जन भी तो चाहिए सब्जेक्ट से पहले. वो एस्ट्रोनॉमर्स कंसिडर द ईयर 2020 टू बी इवेंटफुल इन द सेलेस्टियल वर्ल्ड अंटिल द फोर एक्लिप्सिस. वेरी गुड अभिजीत. नॉट विथ स्टैंडिंग ये एक कॉन्ट्रडिक्शन में होता है. इवन दो का मतलब है यद्यपि, ये सब कॉन्ट्रडिक्शन वाले सेंटेंस में होता है. बट ये सेंटेंस कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आ रहा है. ये जो एस्ट्रोनॉमर्स है ना 2020 को बहुत इम्पोर्टेंट ईयर मान रहे हैं. किस क्योंकि उस साल क्यों क्योंकि उस साल दो ग्रहण मतलब चार ग्रहण लगे थे बिकॉज ऑफ. There will be little more pupils in the class next year, but we have enough space. ये जो conjunction वगैरह है ना, ये सब अब सीखना है कि conjunction कहाँ पे contradiction वाला लगेगा, कहाँ पे नहीं लगेगा contrast वाला. But we हमारे पास बहुत जगह है. पर हमारे पास बहुत जगह है इसका मतलब है कि बच्चे बढ़ेंगे. प्यूपल्स का मतलब है स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि बच्चे बढ़ेंगे ना. लेकिन हमारे पास जगह तो बहुत है, बढ़ने दो बच्चों को, हमारे पास जगह तो बहुत है. और लिटिल तो नेगेटिव है, लिटिल मोर मतलब ना के बराबर, तो ये तो होगा नहीं. ठीक है. अच्छा, नो इम्प्रूवमेंट भी नहीं है. नो इम्प्रूवमेंट नहीं है इसमें. और प्यूपल्स नो इम्प्रूवमेंट नहीं है. कहाँ से है भाई, इसका नो इम्प्रूवमेंट दिख नहीं रहा है. प्यूपल्स प्यूपल्स काउंटेबल है ना, और काउंटेबल चीज़ों के लिए हम लिटिल लगा ही नहीं सकते. तो यहाँ का लिटिल भी हटा. और मच मच भी अनकाउंटेबल के लिए, बट बच्चों के बच्चों को तो गिन सकते हैं. अ फ्यू मोर स्मार्ट है सब. मैं तो इतना समझा रही हूँ, बच्चे यहाँ पे अपना आंसर दे के रेडी है. अ फ्यू पॉजिटिव है ना, अ फ्यू लगा सकते हैं. हाँ, ऊपर वाला फ्यू नहीं लगे. इधर मैं अपने ऑप्शंस को एलिमिनेशन में बिजी रहती हूँ, तब तक हमारे बच्चे आंसर रेडी रखेंगे.
एडमायर करना, एडमायर करना मतलब अडोर करना, प्रशंसा करना, अप्रिशिएट करना, अडोर करना, अप्रिशिएट करना, एडमायर करना. ओके, तो उसका उल्टा क्या है? उल्टा डिसलाइक करना, नफरत करना, डिसएग्री नहीं हो. वीडियो को, मेरे वीडियो पसंद आता है तो एडमायर कर देते हो, नहीं पसंद आता है डिसलाइक कर देते हो, वही वाला है. एडमायर करना, लॉड करना, अप्रॉड, हाँ लॉड करना, एक्सटॉल करना, तारीफ करना, पैनेजराइज करना, किसी की बहुत ज़्यादा प्रशंसा करना, ईयोलॉजाइज करना, पैनेजराइज करना, किसी को ग्लोरीफाई करना, लॉड अपलॉड सब पता है. अपलॉड अब तो यूट्यूब वाला डिसलाइक हटा दिया है, कोई फायदा नहीं डिसलाइक करते हुए. Come on guys, if you really like the session, okay, give me a thumbs up, do like the session, acclaim karna, acclamation ka matlab bhi hai tarif karna, acclaim, acclamation is tarif karna, absolute, ek minute, synonym, antonym pucha hai, theek hai, antonym pucha. एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट का मतलब होता है टोटल, कंप्लीट, सिनोनिम, सिनोनिम. बीजेपी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ आ गया, टोटल, और ये तो लिमिटेड हो. उल्टा पूछा, उल्टा, लिमिटेड, लिमिटेड. करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बता देना. डायलॉग, डायलॉग, डायलॉग. आप लोग ना स्पेलिंग एरर को लेके झूठ का डरे हुए होते हो, उतना भी डिफिकल्ट स्पेलिंग्स नहीं आता है, इजी आता है, आराम से कर लो. डायलॉग, लॉग मतलब एल ओ जी यू ई होता है, एल ओ जी यू ई. सिरिंज जो इंजेक्शन होता है, सिरिंज. जीव अजीब से स्पेलिंग दिया है. सिरिंज में ये स्पेलिंग है भाई, ये वाला सिरिंज है, इंजेक्शन, एस वाई होता है, एस वाई. कॉल ऑफ, द मैच वॉज कॉल्ड ऑफ. एक तो आपको पुट ऑफ भी बताया है, हजारों बार बताया. पुट ऑफ का मतलब है कोई भी चीज को स्थगित करना, पोस्टपोन करना. और कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल करना, कैंसिल. यू कैंसिल समथिंग ड्यू टू हैवी रेन, द मैच वाज कॉल्ड ऑफ, कैंसिल, कैंसिल. अ पीस ऑफ द पाई, पाई तो एक स्वीट डिश है. डेफर करना, अ पीस ऑफ द पाई. अ पीस ऑफ द पाई का मतलब है ना आपको मिलेगा पाई. पाई मतलब ये स्वीट डिश है, तो आपको उसमें से ना एक टुकड़ा मिलेगा, मतलब आपका भी शेयर है. अ शेयर इन मनी और बिजनेस में आपका भी शेयर है, हिस्सेदारी है, पैसे का हिस्सा. एम सिनोनिम्स है. व्हाट इज योर एम, एम इन लाइफ क्या है, आपका लाइफ का उद्देश्य क्या है. अन अकेडमी का क्लास करना नहीं है, जल्दी जल्दी सिलेक्शन लेना है. तो आपका लाइफ का मेन गोल, आपके लाइफ का उद्देश्य, आपके लाइफ का गोल,
पर्पस पर्पस सिलेक्शन है अन अकेडमी का क्लास, जल्दी से छुटकारा पाना है मेरे से अन अकेडमी से ना, ये लाइफ बहुत बोरिंग है, रोज आओ क्लास करो ये करो, भाई भगवान मेहनत तो मैं कर रहा हूँ, जल्द से जल्द मेरा सिलेक्शन दिलवाई, तो लाइफ का पर्पस है, ऑब्जेक्टिव गोल, हम सिलेक्शन में टिक कर देना, पर्पस है सिलेक्शन। एप्रीहेंशन सिनोनिम्स बताना, आपको भी लगता है ना लाइफ में, हाँ लाइफ में नए नए लोगों से मिले, नए नए चीजें एडवेंचर वाला करे, तो यहाँ से जल्दी से छुटकारा पाना है ना, नए नए लोग कुछ कुछ नया करते रहना है, तो एप्रीहेंशन का मतलब है एप्रीहेंसिव होना, मतलब एकदम डरे रहना, करूँ या ना करूँ, अंदर से नर्वसनेस है, अपने अंदर से डर है, पैनिक है, पैनिक 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 अटैक आता है बहुत लोग को, किसी को कल किसी जर्नी में जाना रहेगा ना, कल किसी यात्रा में जाना है, जर्नी वगैरह कहीं जाना है, टूर वगैरह, पूरी रात उनको नींद ही नहीं आई, बहुत लोगों को पैनिक अटैक आता है, घबरा जाते हैं। I haven't got dash money with me now. Anxiety भी हो जाती, नेगेटिव सेंटेंस है ना, नेगेटिव सेंटेंस में सम का यूज नहीं होगा, और haven't तो अपने आप में नेगेटिव है, इसके साथ नो मत लगाना, I haven't got any money, नेगेटिव सेंटेंस में लॉट ऑफ भी नहीं होगा एनी, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में आप क्या करो, अरे मेरे पास तो बहुत सारे पैसे नहीं, आई हैवंट गॉट अ लॉट ऑफ मनी, स्पोकन वगैरह में ये सब बोल के काम चला लोगे, सामने वाले को भी नहीं पता है, लेकिन ग्रामेटिकली नॉट के साथ नेगेटिव सेंटेंस में एनी यूज कर। मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज क्रिएटेड मेनी न्यू जॉब्स डैट रिक्वायर डैश स्किल्स एंड नॉलेज, सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक भी कर देना, लेट्स क्रैक रेलवे एंड एसएससी एग्जाम्स, लेट्स क्रैक एसएससी एंड रेलवे एग्जाम्स चैनल का नाम है। स्पेशलाइज्ड मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने बहुत सारे जॉब्स क्रिएट किए हैं जिसमें डेंजरस टैलेंट की जरूरत थोड़ी है, हार्ड नहीं, स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज वाला स्किल और नॉलेज चाहिए, इजी है, ये एमटीएस वालों को ना फिल अप द ब्लैंक से बहुत प्यार है, फिल अप द ब्लैंक्स बहुत दे रहे हैं। अ टीम ऑफ डॉक्टर्स हैज बीन सेंट टू द वर्स्ट अफेक्टेड एरिया टू डैश द पेशेंट है, अब बताओ कि ये क्वेश्चन कौन ऐसा बच्चा होगा जो करेक्ट नहीं करे, कौन ऐसा बच्चा होगा जो इस क्वेश्चन को करे नहीं करेगा, डॉक्टर को भेजा गया है पेशेंट को एक्सपेरिमेंट करने के लिए, कंडक्ट कर रिजल्ट ट्रीट करने, क्या जरूरत है ये देने का, किसी के पेपर में इतना इजी वाला दे देंगे और किसी के पेपर में टफ कर देंगे, ब्यूटी ऑफ एमटीएस, डॉक्टर जाके कोई एक्सपेरिमेंट थोड़ी करेगा, पेशेंट जो प्रभावित एरिया है तो वहां पे जाके ट्रीटमेंट करेगा, डॉक्टर ट्रीट करता है, डॉक्टर एक्सपेरिमेंट नहीं करता है। पिछले बार के एग्जाम में वर्षा पीक्यूआरएस नहीं आया था, देखो ये पीवाईक्यू है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो पिछले दो साल में शायद, पिछले बार तो कंफर्म हूँ कि अरेंजमेंट नहीं आया, ठीक है अरेंजमेंट वगैरह नहीं आया, नॉर्मलाइजेशन भी इजी वाले को ज्यादा मिलेगा, यस डैश सम मोर सूप, जो चंचला बोल रहा है कि बहुत दिनों के बाद आपकी क्लास ले रही हूँ बिकॉज मेरी हेल्थ सही नहीं थी, भाई आप तो यंग ब्लड हो, यंग ब्लड हो, कोई बुढ़ापे में थोड़ी हो आप, यंग ब्लड हो, अपने आप को फिट रखो, क्या आप और सूप लोगे, क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क सेंटेंस में इन्वर्जन चाहिए,
सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा गलत, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा गलत. डिड यू लाइक टू हैव मोर सूप, अभी उससे जाके पूछ रहे हैं कि क्या आप और सूप लोगे. वुड यू लाइक, पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो, पोलाइट रिक्वेस्ट. अब आप बोलोगे कि प्रेजेंट टेंस में जा रहा है, प्रेजेंट टेंस में जा रहा है, तो आप बोलोगे कि मैम चलो डिड तो प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, नहीं लगेगा. बट वुड भी तो पास्ट है, लेकिन मैंने आपको बताया है वुड पास्ट भी होता है, वुड हम प्रेजेंट में भी यूज़ कर सकते हैं. अगर वुड में किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो तो हम प्रेजेंट में यूज़ कर लेते हैं. वुड यू लाइक टू हैव सम टी और कॉफ़ी, वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफ़ी. वेरी गुड लकी, वेरी गुड. कुड की तरह, कुड को भी हम यूज कर सकते हैं, कुड को भी कर सकते हैं. सी यू ई टी वाला ना बार बार, क्या अब इसका भी देखिएगा अगले साल से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हो जाए. ये जो कॉमन यूनिवर्सिटी वाला कॉमन टेस्ट है ना दिल्ली यूनिवर्सिटी वाला, इसका भी अब बैच शुरू होने लगेगा. आ गया आपका क्लोज टेस्ट, आपका फेवरेट. अब कुछ के अब ये देखोगे ना कुछ के एग्जाम में क्लोज टेस्ट, अभी मैं आपको प्रीवियस ईयर करवा रही थी तो आपने देखा होगा कुछ के एग्जाम में ना क्लोज टेस्ट 5 से 6 लाइन का था, सिर्फ 5 to 6 लाइन्स में क्लोज टेस्ट उन्होंने से कर दिया है. बट यहाँ पे थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन ये भी है प्रीवियस पेपर ही है, तो प्रीवियस पेपर ही. अब मुझे बताओ हियर आर सम स्टैटिस्टिक्स, कुछ आंकड़े हैं फॉर दोज इंटरेस्टेड इन नंबर्स एंड परसेंटेजेस. जो लोग आंकड़ा जानने चाहते हैं कितनी संख्या, उसके लिए एक आंकड़ा है. द प्रोपोर्शन ऑफ डैश यूजर्स इन इंडिया, सिंस आगे जाके लैंडलाइन और मोबाइल की बात हो रही है ना, तो फोन है. पहले तो फोन यूजर होंगे और फोन यूजर में मोबाइल वाले आएंगे और लैंडलाइन वाले आएंगे. फोन यूजर्स फोन यूज करने वाले इंडिया में जो प्रोपोर्शन है ना इज सेट टू बी 90.1%, वाइल द जबकि यूज ऑफ लैंडलाइन मोबाइल्स कंटिन्यूज टू डिक्लाइन. अभी जो लैंडलाइन फोन यूजर्स है ना इनकी संख्या कम हो रही है और मोबाइल की संख्या बढ़ रही है. रेशियो नहीं बढ़ रहा है ना, द नंबर, संख्या बढ़ रही है, रेशियो नहीं हो रहा है. नंबर, द नंबर ऑफ मोबाइल अपीयर्स टू हैव रीच्ड अ प्लेटो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स. द नंबर ऑफ डैश टू, द नंबर ऑफ डैश टू लैंडलाइन फोन्स, यहाँ टू से कंपैरिजन कर रहे हैं. द नंबर ऑफ कॉम्प्रिहेंशन का चंचला बैच चल रहा है, सुबह में आ जाना. मेंस का बैच में पैसेज चल रहा है एकदम नियम से, लगातार 2 महीने से पैसेज चल रहा है. सब्सक्राइबर्स होगा, सब्सक्राइबर्स होगा, सेलर्स थोड़ी होगा. सब्सक्राइबर्स, सब्सक्राइब किया. द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स इजी है बट थोड़ा सा टाइम टेकिंग है. टू लैंडलाइन फोन्स हैड गॉन अप फ्रॉम इतना मिलियन इन 1995 टू इतना मिलियन इन 2019. ऑन द अदर हैंड इंडिया हैज ओनली 1.2 million cell phone users in 1999, which grew to a dash figure of इतना. इस समय 1999 में ना 1.2 था, अब देखो कितना ग्रो किया, 1.7 million. तो बताओ, astonishing. excellent नहीं होगा, excellent का मतलब शानदार, मतलब सरप्राइज हो रहा, सरप्राइजिंग है, बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित करने वाला है. मतलब इतनी बढ़ोतरी हुई है 2019 में, एस्टोनिशिंग, वेरी सरप्राइजिंग, सरप्राइजिंग. एंटिसिपेट करना तो अनुमान लगाना, इमेजिनेबल नहीं होगा, ये तो अनइमेजिनेबल फिगर है, कल्पना भी नहीं की जा सकती. आ गया लास्ट वाला, इट इज अनइमेजिनेबल. इमेजिनेबल तो होगा नहीं, देखो यहाँ पे बता ही दिया, ये तो इमेजिन नहीं किया जा सकता. इजंट इट, मोबाइल फोन्स हैव आल्सो लिटरली डैश फोन बूथ. पहले आप देखते थे जिसके घर में फोन नहीं होता था ना, फोन बूथ में जाते थे,
लेकिन अब मोबाइल फोन आने से आप ऐसा करना चंचला, आप 4 तारीख अब ये बैच तो स्टार्ट हुआ है मई में ही, मई 1st या 2nd से स्टार्ट किया था मैंने, लेकिन अब इसका नया वर्जन आ रहा है 4th जुलाई को। ओके 4th जुलाई को नया बैच शुरू हो रहा है इसी टाइमिंग पे मेंस का, जहाँ पे पैसेज वगैरह होगा। आ जाना ना ना, डिस्ट्रॉय नहीं किया है, अरे थ्रो आउट, इरेज थोड़ी किया, इरेज करना, फोन थ्रो आउट होगा, डिस्ट्रॉय थोड़ी कर दिया है ये फोन ने, जाके फोन बूथ को थ्रो आउट कर दिया, मतलब थ्रो आउट करना मतलब है ना अब उसका अस्तित्व नहीं है, थ्रो आउट थ्रोन आउट मतलब वो जगह से हटा दिया है, अब वहाँ से फोन बूथ स्ट्रक्चर्स को, स्ट्रक्चर को हम थ्रो आउट करते हैं, ठीक है, डिस्ट्रॉय थोड़ी किया फोन बूथ को, एकदम फोन बूथ बूथ को आके क्षतिग्रस्त कर दिया, ये सब नहीं, थ्रो आउट कर दिया। बहुत सारे बच्चों का ये वाला आंसर रॉन्ग, एक की जगह दूसरा, एक की जगह दूसरा ने प्लेस ले लिया है, उसको हम बोलते हैं थ्रो आउट कर देना, डिस्ट्रॉय का मतलब बर्बाद कर देना, ऐसा थोड़ी है कि मोबाइल फोन के आने से बूथ को क्षति पहुंचाई गई है, थ्रो आउट, थ्रो आउट मतलब एक को हटाकर दूसरा अपना जगह लेना। ये वाला बहुतों ने रॉन्ग किया है, चलो मुझे स्कोर बता दो आप, 23 आया है केशव का, 22 आया है वर्षा, 23 नरेश, 19 लास्ट वाला रॉन्ग हो गया है, हटा दिया है, थ्रो आउट कर दिया है, हटा के दूसरा ने जगह ले लिया है। मुकेश का 23 आया है, संदीप वेरी गुड, वेरी गुड संदीप का 25 में 25, अभिनंदन हैज गॉट 22, धीरज हैज गॉट 22, आरती 24, आदित्य 24, गौरव 20, चेतन UPSC legend has got 24, विशाल मिश्रा has got 20, ये आपने गलत कर दिया, थ्रो आउट, राज द मिस्ट्री has got 23, बहुत अच्छी बात है, चलो नेक्स्ट वाला स्टार्ट किया जाए। चलिए नेक्स्ट वाला, लास्ट वाला बहुतों का रॉन्ग हो गया, यही आपको रोक दिया है 25 से। इफ यू हैड एक्सरसाइज रेगुलरली यू वुड हैव बीन फिट टुडे, अगर आपने एक्सरसाइज किया होता ना तो आज, तो आज आप फिट होते, वुड हैव लगा है परफेक्ट, इसको भी परफेक्ट डालो, हैड प्लस एक्सरसाइज नाउन भी होता है, एक्सरसाइज वर्ब भी होता, सही तरीके से एक्सरसाइज किया हो, एरर इसी में, डी लगना चाहिए। मिस्टर रॉय वाज नॉट ओनली वेरी सक्सेसफुल एंड हम्बल आल्सो, ऑल्सो लास्ट में नहीं आता है, आता है आता है, बट ऑल्सो वाला लास्ट में ऑल्सो आ जाता है, ही इज नॉट ओनली स्मार्ट बट ब्यूटिफुल ऑल्सो, शी इज नॉट ओनली स्मार्ट बट ब्यूटिफुल ऑल्सो आ सकता है, बट हम बट और ऑल्सो साथ में भी लगा सकते हैं, बट ऑल्सो हम्बल स्प्लिट भी हो सकता है, बट बट ऑल्सो वाला कॉम्बिनेशन का जो ऑल्सो है ना वो लास्ट में आ सकता है, यस ऑल्सो लास्ट में भी आता है। द मैन वी मेट वॉज एनी अदर दैन द ओरिजिनल ऑफ द हाउस, जिस जो मैन से हमने मिला, हम मिले वो कोई दूसरा नहीं था, वो घर का मालिक था, बुक में पढ़ा था, नॉर्मल वाला ऑल्सो नहीं आ सकता, he did the work and I also, maa wala also nahi aayega, but also wala aa sakta hai, any other than nahi hota hai, the man we met was no other than, no bhi laga sakte ho, none other than bhi laga sakte ho,
हिम एरर वॉज नो अदर देन नन अदर देन दूसरा कोई नहीं था मालिक ही था नो भी सही है नन अदर देन नो अदर देन एंड अंडरग्राउंड प्लेस जहां पे वाइन वगैरह रखते हैं अंडरग्राउंड एरिया जहां पे शराब वगैरह रखा जाता है लॉफ्ट का मतलब होता है ना समथिंग विच इज वेरी टॉल ह्यूज एटिक तो छज्जे को बोलते हैं दीवार के ऊपर छज्जा निश निश इज अ स्पेशल एरिया स्पेशल पर्टिकुलर क्षेत्र निश मार्केट भी होता है ओके पर्टिकुलर रीजन पर्टिकुलर स्फीयर क्षेत्र तो ये तो सेलर हो लैक ऑफ फीलिंग सेशन अच्छे लगे तो लाइक भी कर देना अपैथी इम्पैथी मतलब सम अनुभूति द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ अदर्स कितनी बार बताया दूसरों की फीलिंग्स को समझने की क्षमता रखना अपने आप को उसकी जगह पे रखकर और टेलीपैथी टेली का मतलब होता है दूर फार दूर से ही फीलिंग आ जाना आभास हो जाना सिंपथी सहानुभूति और अ का पैथी का मतलब होता है फीलिंग और अ का मतलब रूट वर्ड में होता है नो नो फीलिंग किसी तरह की फीलिंग नहीं है उदासीन है अपैथी क्या 150 लाइक्स कर दो गाइस क्या हो गया अभिजीत ठीक हो ना भगवान देख रहे हैं भला करोगे भला होगा अच्छा चलो भाई हम बहुत और जबरदस्त रिक्वेस्ट किया है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम अभिजीत ने भगवान भला करेगा 150 लाइक्स कर दो ठीक हो ना अभिजीत कोई दिक्कत तो नहीं है ना आर यू ओके ना भगवान भला करेगा आर यू You are sounding so bichara type today. सब ठीक है ना? Come on guys. Carried away हो गया है. अभिजीत carried away हो गया. अभिजीत भावनाओं में बह गया है. Carried away का मतलब है भावनाओं में बह जाने influenced हो जाना. Maths ज़्यादा पढ़ रहा है. ये लोग like नहीं करते हैं. सही बोला है. अभी मैं इधर उधर की बातें कर लूँ गाइज आप लोग ना सेमिनार में आना अपनी गर्लफ्रेंड्स को लेके अपने बॉयफ्रेंड्स को लेके गाइज यू विल गेट ऐसी ऐसी बातें करने लगूँ ना रिफ्रेश करने लगेंगे टेस्टेथॉन को कैसे यूज करें ये तो मेरे को भी नहीं पता है मेरे पास स्लाइड आ जाता है ना कि मैम ये शेयर कर दीजिएगा ओके वो एक कोड स्कैन होगा वहाँ से लिंक आएगा वो सब कर दूँ ये सब करूँगी तो खुश हो जाऊँगी The eldest prince was declared the heir of a throne. अरे नहीं केशव ऐसे नहीं बोलना है कितनी बार heir का मतलब है उत्तराधिकारी उत्तराधिकारी और कितनी बार बताया fixed preposition में heir to the throne descended to Successor to the throne, उत्तराधिकारी to, उसी तरह heir to, heir का मतलब होता है उत्तराधिकारी वारिस वारिस सही कर रहे हैं यहाँ तो मेरा मोरल बहुत हाई है मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है एंड डोंट लेट मी डाउन MTS का पेपर देने जा रहे हो इतना इंग्लिश पढ़ के जा रहे हो और कोशिश करना ना कि जब इसका आंसर की आए मेन एग्जाम का तो मेरे एवरेज मैक्सिमम बच्चों का 45 प्लस ही हो ओके थोड़ा ध्यान से करना 45 प्लस मुझे बहुत सारे एक दो का नहीं एवरेज मैक्सिमम बच्चों का 45 प्लस है इतने प्रैक्टिस करके जा रहे हो यहाँ परफॉर्म कर लेते हो एग्जाम में पता नहीं क्या करते हो दीज डेट्स आर फ्रॉम दुबई इजेंट इट
नहीं तो एमटीएस का लेवल अच्छा रहता है। तो मुकेश ये वाला ना पिछले साल का पेपर है, कैसा लगा आपको ये पेपर, कैसा लगा? पिछले साल का है, जो पिछले साल का लेवल है इस साल भी होगा। ये मैंने आपको एक्टिव पैसिव में पढ़ा दिया है, नॉट एक्टिव पैसिव में, सॉरी क्वेश्चन टैग में। अगर हमारा क्वेश्चन दीज से शुरू हो, दीज हो, तो उसका टैग में दे लगे, आरेंट दे। ये डेट्स किसको बोला जा रहा है? मैथ्स का हाई रहता है तो दे के आना ना हाई लेवल। डेट्स का मतलब क्या है यहाँ? डेट्स क्या माना गया? ये डेट्स ना दुबई से आया है, खजूर, खजूर को बोला गया है। ये डेट्स का मतलब वो मत समझ लेना मंडे 16, 17, 19 वाला खजूर, खजूर अरब कंट्रीज और उधर दुबई वगैरह का खजूर बहुत अच्छा होता है। आई रीच द ऑफिस बिफोर टाइम एज आई वॉन्ट टू कम्प्लीटेड सम पेंडिंग जॉब्स। मैम मैंने अभी अन अकेडमी के प्लस लिया है, समझ में नहीं आ रहा है क्या क्या पढ़ूं। आप क्लास में आ जाना, बता दूंगी। सेंटेंस पास्ट में जा रहा है ना, आई रीच द ऑफिस। मैं ऑफिस टाइम से पहले ही पहुंच गया, मेरे को बहुत सारा पेंडिंग काम करना था। वांटेड होगा ना? सब पढ़ लो, बेचारा नॉन प्लस हो गया है, सही बता रहे, प्लस पे एडमिशन लेके उसको, लेकिन वो फिर एंजॉय करेगा। ओके, उसको सही सही गाइडेंस मिल जाएगा ना, तो वो बच्चा अन अकेडमी को एंजॉय करेगा। गाइडेंस में ई एन मत लगाना, ए एन सी, ही विल एंजॉय अन अकेडमी। हिंडर, मेरे साथ भी यही हुआ था जब मैंने अन अकेडमी ज्वाइन किया है ना, 5 बार तो हाँ कर करके ना बोला मैंने, ओके ओके आई विल ज्वाइन। अब देखोगे मेरे प्रोफाइल पे लोग 2018 का ज्वाइनिंग दिखा रहे हैं, जबकि मैंने 2019 के सितंबर में ज्वाइन किया, मैं भी नॉन प्लस हो जाती। ये सब क्या करवा रहे हैं, स्लाइड बनाना, मुझे तो ऑफलाइन पढ़ाने की हैबिट थी, इतना स्लाइड वगैरह मैं ना ना कर देती थी। टी शर्ट भेजने का टाइम आता था ना, तो मैं नो नो नहीं पढ़ाऊंगी, सबके साथ होता है। हिंडर करना मतलब बाधा करना, इम्पीड करना, रास्ते में ऑब्स्ट्रक्ट करना, बाधित करना, ऑब्स्ट्रक्शन डालना, तो इसका उल्टा क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन डालने का है मतलब कोई हेल्प करना। मैंने आपके लाइफ में रास्ते में बाधा डाला, फिर मैंने हेल्प। हील करना मतलब घाव का भरना, इम्प्रूव होना, हील हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है, हायर करना। अब तो हैबिट हो गई, सही बोल रहे। मेरा भी नहीं था मन, एक डेढ़ साल लगा दिया था मैंने आने में, बहुत बड़ा काम है ना। ऑफलाइन जब मैं पढ़ाती थी कुछ नोट्स वगैरह लेके नहीं जाती थी, सीधा चली जाती थी क्लास में, बोर्ड पे लिखते रहती ना, बहुत सारा तैयारी करना पड़ता है ऑनलाइन में। शैलो, एंटोनिम्स बता, शैलो। अब डिश बनाते हैं, इस पकौड़े को डीप फ्राई करो, डीप फ्राई मतलब बहुत सारे तेल में इसको फ्राई करना है। और शैलो फ्राई, शैलो फ्राई का, शैलो का मतलब गहरा नहीं है, ओके, नॉट डीप, सुपरफिशियल, नॉट डीप, ऊपर ऊपर इसका। ऑफलाइन को पूरी तरह से बाय बोल दिया, तब मुखर्जी ही बहुत, मुखर्जी नगर ही बाय हो गया। अब तो मैं सेमिनार जाऊंगी, सेमिनार जाऊंगी तो सेमिनार खत्म होने के बाद एक बार मुखर्जी नगर का दर्शन जरूर करूंगी, बहुत दिन हो गया मुखर्जी नगर गए। नहीं नहीं मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आती है, ऑफलाइन की याद आती होगी आपको, नहीं मुझे बिल्कुल भी नहीं याद आती। याद तो उस चीज की आती है ना जो चीज आप इंजॉय नहीं कर रहे हो। मेरे को ऑनलाइन अच्छा लग रहा है, नहीं याद आती बिल्कुल भी नहीं। कंटेंट बनाना बहुत मेहनत का काम होता है, और कंटेंट को बार बार बदलते रहना है, नया नया चीज लाना। थोड़ी भी नहीं आती है, बिल्कुल नहीं याद आती।
स्पूरियस का स्पेलिंग रॉन्ग है, स्पूरियस का मतलब होता है नकली, फेक, काउंटरफीट, SPU काउंटरफीट, नकली, बताया भी है आपको, एपोक्रिफल, फेक, फॉलेसी, फॉल्स, वो नहीं होगा। विष्णु आपने स्पेलिंग रॉन्ग लिखा, SPA नहीं होगा, SPE, ये स्पेशियस का मतलब है फॉल्स, ये स्पेशियस का मतलब तो बहुत ज्यादा स्पेस है, वो अलग है, अलग। Incorrectly spelled word बता। Rivalry, rivalry का मतलब है दुश्मनी। Summary, संक्षिप्त में। Primary, में मुख्य। और gallery तो पता है। आज आप 3:30 के बैच में आ जाना अमित, मैं आपको गाइड कर दूंगा। आज नहीं आ पाओगे तो फ्राइडे को 3:30 के बैच में आना, प्रैक्टिस को, सॉरी, कोर्स ऑन ग्रामर एंड वोकैब का 3:30 का बैच है। आप मेरे प्रोफाइल पे जाना, ठीक है, प्रोफाइल पे जाना और 3:30 वाला बैच ढूंढना, मिल जाए, बता दूंगी आपको कहाँ से करना है। गैलरी का स्पेलिंग गलत है, GARRERY। फॉलो सूट, वेरी गुड अभिजीत। फॉलो सूट, फॉलो करना, टू डू एज अदर्स हैव डन, जैसे लोग कर रहे हैं, लोग किए हैं आप वैसे ही कर रहे हो, किसी को फॉलो कर रहे हो, कॉपी कर रहे हो, इमिटेट कर रहे हो, ये मत समझ लेना ना, टू ड्रेस एज समवन एल्स, ड्रेस नहीं कर, जैसा सब कर रहे हैं वैसे ही कर रहे हैं। पुट ऑफ आ गया, उस वाले पेपर में कॉल्ड ऑफ था, इस पेपर में पुट ऑफ। कॉल ऑफ कर, पुट ऑफ करना मतलब पोस्टपोन करना, प्रोक्रेस्टिनेट करना, प्रोक्रेस्टिनेशन, किसी भी चीज को डिले करना, डॉडल करना, ये सब आप लोग मेरे मुंह से इतनी बार सुन चुके हो ना कि आप लोग को अब इरिटेटिंग ही लग रहा होगा। लिंगर करना, अब तो सुन सुन के भी इरिटेटिंग ना, एडजर्न करना, डिली डाली, लिम्बो में मतलब सस्पेंशन में रखना, ये भी है। इन लिम्बो, इन लिम्बो का मतलब है सस्पेंशन में रखना कोई भी काम, अबेंस, सस्पेंशन में रख, लॉयटर करना, इधर उधर टाइम वेस्ट करना, ड्रैग वन्स फीट, एगनी, सिनोनिम है। एग्नी का मतलब होता है ना पीड़ा, पेन, बहुत ज्यादा टॉर्मेंट करना, टॉर्चर करना, पीड़ा, एग्नी, एक्सक्रूशिएशन, पेन, पीड़ा, कष्ट, वही है। डिजेक्टेड, वर्ड पावर से डरते हैं और सारा वर्ड पावर आता है आप लोग। हाँ, डिजेक्टेड है, उसको रिजेक्ट कर दिया गया, बेचारा रिजेक्टेड है, दुखी है। कंसीटेड का मतलब तो घमंडी हो। पोस्टपोन और अप्रूव, तो अप्रूवल देना, एक्सेप्टेंस, अप्रूव, एक्सेप्टेड,
और कौन सा सीट, कंसीटेड मतलब क्या है, घमंडी है, एरोगेंट, डिप्रेस्ड, इसका तो बहुत सारा वर्ड करवाया है, कितनी बार करोगे मेले में अकेली। The chairman's speech was dashed to the occasion. Sullen है, melancholy है, बहुत बार हो गया। अब मेरे स्टूडेंट्स को इतना तो मेरे स्टूडेंट्स को पता चल ही गया होगा कि कोई भी बुक ना, कोई भी बुक हो, कोई भी टीचर हो, बुक हो, वो कैब आपका ना इम्प्रूव नहीं करवा सकता है। बेस्ट से बेस्ट बुक खरीद लो मार्केट से, लेकिन आप उसको पढ़ोगे ही नहीं, रिवाइज करोगे ही नहीं, टीचर भी आपको वो कैब पढ़ाएंगे ही ना। जो वो कैब पढ़ चुके हैं, जो वो कैब पढ़ चुके हैं ना, उनको ये बात का रियलाइजेशन हो गया है कि कोई भी टीचर आपको अपना वोकैब खुद इंप्रूव करना है। टीचर आपको एक फिक्स्ड वोकैब देंगे जो जनरली एग्जाम में आएगा। मैं क्या करती हूँ, जैसे समुद्र मंथन वाले बैच में मैं क्या करती हूँ, आपके साथ ना मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प हो जाए, हेल्प तो आपको खुद अपने ही करना है, आपके साथ साथ ना मैं वो वर्ड्स को रिपीट करते रहती हूँ, जो कि आप अपने से भी करोगे तो आपका इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, लेकिन मैं बार बार रिपीट करते रहती हूँ ताकि मुझे भी याद हो जाए। मुझे आपको डांटना भी होता है ना, तो मैं कुछ वर्ड पावर यूज़ कर देती हूँ, घमंडी का कर दूंगी, देखो ये बच्चा जल रहा है यूज़ कर दूंगी, तो जो चीज़ आप डेली यूज़ में लाते रहोगे याद हो जाएगा। तो चेयरमैन का स्पीच जो है ओकेजन के रिलेटेड था, अप्रोप्रिएट था। टीचर बार बार आपके साथ रही, वो टीचर से ज़बरदस्ती आप लोग मेहनत करवाते हो, आप अपने भी कर सकते थे। उसी वजह से मैं बोलती हूँ ना, ऑनलाइन वाले बच्चे एकदम पैरासाइट्स हो गए, पर जी सब चीज के लिए टीचर पर डिपेंडेंट, अप्रोप्रिएट, टीचर भी वही हो गए हैं, बच्चों का काम कितना ज्यादा आसान किया जाए, टीचर की भी गलती है। मदर वॉज टायर्ड, शी स्टेड अप ऑल नाइट, टीचर की भी गलती है। अच्छा इसको देखो जरा, इसका वो कैब ना मेरे क्लास से भी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। यूपीएससी और वर्षा के कमेंट बॉक्स में जो वर्ड कमेंट करते हैं ना, इसका वो कैब उसी से इम्प्रूव हुआ है, इस बच्चे का वो कैब उसी से इम्प्रूव हुआ है, वर्षा और वो सब की वजह से। येट, टायर्ड था, येट थका हारा था, बट बेचारा फिर भी पूरी रात जगा रहा, कॉन्ट्रास्ट है, कॉन्ट्रास्ट पूरा ध्यान वर्षा और यूपीएससी के कमेंट बॉक्स में रहता है। थकने के बावजूद भी पूरी रात जगा रहा, कॉन्ट्रास्ट वाला कंजंक्शन तो बस यही। ये देखो ऐसा क्वेश्चन भी आ रहा, ओ आई फॉरगॉट टू इन्फॉर्म यू अबाउट द पार्टी, ओ मैं तो भूल गया तुमको पार्टी इन्फॉर्म करने के लिए, आउच, ऊप्स, अल्लाह, ऐसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। आउच नहीं करोगे, ठीक है, आउच वगैरह है ना, जब आपको अगर चोट वगैरह लग गया है, कुछ भी हो रहा है तो आउच करते हो, आ और अल्लाह ना दुख में करते हैं, सौरों में, और यहाँ सरप्राइज में, ओप्स, ओ मैं भूल गया, ओप्स, आउच व्हेन इन पेन, चोट लग गई, और अलास एंड सौरो और लेमेंट करते हैं उसमें, करते हैं। ब्लंडर भी कर दिया कोई चीज, ओप्स पर रे मैं तो भूल गया, गलती वगैरह करते हैं।
ही वॉज डैश टू 6 months ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर स्टीलिंग. गर्ल्स बोलती है, आप भी बोल सकते हो, एग्जाम नहीं निकले तो अरे अल्लास आई लॉस्ट. कंडेम, कंडेम का मतलब है दोषी. उसको 6 months का दोषी ठहराते हुए उसको जेल में भेजा गया स्टीलिंग के लिए. कंडेम. कन्फर्म करना मतलब सहमत होना, एग्री करना. आ गया सोयाबीन. वैसे हमारे बैच में भी एक सोयाबीन थे, पता नहीं कहाँ है वो बच्चा. द सोयाबीन इज कॉल्ड द येलो पर्ल बाय द चाइनीज. चाइनीज लोग ना सोयाबीन को येलो पर्ल बोलते हैं. ऑल द 8 एमिनो एसिड्स डैश द बॉडी नीड्स आर प्रेजेंट इन इट. देखो जो बच्चे मम्मा घर में खाना बनाती है और जो सोयाबीन नहीं खाना चाहते हैं, जो लोग नॉन वेजिटेरियन नहीं है, जो वेजिटेरियन है और जिसको भर भर के प्रोटीन चाहिए, भाई सोयाबीन खा लेना. आज से ना मत बोलना, क्योंकि सोयाबीन में ना 8 एमिनो एसिड्स है जो आपके बॉडी को चाहिए. तो ऑल द 8 एमिनो एसिड्स दैट द बॉडी नीड्स दैट. सब खा लेंगे आप. आई लव सोयाबीन खा लेना. बहुत सारा 8 एमिनो एसिड्स है. इट इज अ डैश एंड चीप सोर्स ऑफ प्रोटीन. सस्ता है सोयाबीन, कोई महंगा भी नहीं होता, बहुत आसानी से. ये जो जाके दिन भर प्रोटीन पाउडर महंगे महंगे खरीदते हो ना, प्रोटीन पाउडर महंगा महंगा खरीदते हो, तो सोयाबीन खा लो. कल मैं एक न्यूज देख रही थी, उसमें पता नहीं मुझे याद नहीं आया, एक 100 साल की लेडी थी, 100 या 125 साल की थी, 100 साल की लेडी थी, ओके 100 इयर्स ओल्ड. और उसने, मैं कल न्यूज में देख रही थी, और उसने 100 मीटर का रेस में नंबर 1 आई है. 100 साल की लेडी है, 100 मीटर के रेस में नंबर 1 पोजीशन. क्या खाती है भाई, सब बताया था. 1 लीटर में दूध पीती हूँ, प्रकृति के करीब हूँ, 250 ग्राम घी, कुछ ऐसा ऐसा बताया था. कल देखा था. ये सोयाबीन उसने नहीं बताया था, उसने बताया था मैं क्या खाती हूँ, बाजरा की रोटी खाती हूँ, चूरमा खाती हूँ, सब बताया था. अच्छा हरियाणा से है वो, 105 साल के हैं. और अपना काम, अपने कपड़े खुद धोती है, 3-4 किलोमीटर चलती है. वो प्रोटीन पाउडर नहीं खाती है, जिम नहीं जाती, प्रोटीन पाउडर भी नहीं खाती है. तो सोयाबीन इज अ रिच एंड चीप. सोयाबीन में बहुत सस्ता और बहुत रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है. इवन डैश वेदर कंडीशंस कैन बी विथस्टूड बाय दिस प्लांट. दादाजी 100 साल के हैं. नहीं देखो वो ठीक है, 100 साल का होना अलग बात है, चलो होते हैं, लेकिन 100 साल के लोग 100 मीटर की रेस पे नंबर 1 आ जा रहे हैं. हाँ, ये जो अनफेवरेबल वेदर कंडीशन होता है ना, सोयाबीन का पेड़ जल्दी नष्ट भी नहीं होता है, ओके. इवन अनफेवरेबल, अगर मौसम ठीक नहीं है ना, इसके आगे भी ये टिक सकता है बाय दिस डैश प्लांट. अगर अनफेवरेबल वेदर के सामने आप टिके हुए हो, इसका मतलब आप मजबूत हो ना. एलिंग का मतलब तो बीमार, इल है, इल फीबल थोड़ी होगा, हार्डी प्लांट है, मजबूत है. जो 200 में भी फर्स्ट आई है, सोचो वही सोच के लग रहा है कि कितने लोग. अपना काम खुद ही करो. हम लोग क्या करते हैं ना, दिन भर बहुत सारे लोग ना जिम जा के खूब मेहनत करेंगे, लेकिन घर का काम नहीं करेंगे. पानी भी लेना हो ना, मम्मा से मांगेंगे, लेकिन जिम में डबल मेहनत करेंगे, बट घर में उठना नहीं चाहिए. तो दस इट इज द की फूड. ये जो है सोयाबीन है, की फूड है, जो हमारे सारे नीड्स की पूर्ति करता है. ये तो कई बार बताया,
ऐसा एग्जांपल देती हूँ ना, प्रोडक्ट को ऐसा बनाया गया है, दिस विल केटर टू द नीड्स. केटर करना मतलब पूर्ति करना, केटर के साथ टू आता है, दिस विल केटर टू योर नीड्स. ना ना, प्रोवाइड नहीं होगा. केटर मतलब फुलफिल करना होता है, फुलफिल के साथ टू नहीं आता है. दिस विल फुलफिल योर नीड्स, ये आपकी ज़रूरतों को पूरी करेगा. फुलफिल के साथ टू नहीं आता, बट केटर के साथ टू आता. ग्रैटिफाई करना तो सेटिस्फाई करना, प्लीज करना, संतुष्ट करना. चलो लेट्स स्टार्ट. ये वाला जो सेट है ना, 18th October का है, 2021 पिछले साल का 18th October शिफ्ट वन का सेट. ओके चलो लेट्स स्टार्ट. बिहार का भी अभी स्टेटस नहीं आया है. ओके, आ जाएगा धीरे धीरे, सबका आ जाए. अब वो बोल रहे हैं केसरी की बिहार का आ गया है. देखो सबका आ गया, अभी 5 या 6 से एग्जाम शुरू है ना, अभी टाइम है. खुश रहिए अनुराग. चलो लेट्स स्टार्ट. सबको वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, सारे वॉरियर्स को. नो एरर है. लाइफ्स मेनी इवेंट्स गिव शेप टू अ पर्सन्स इंडिविजुअलिटी. लाइफ में बहुत सारे इवेंट्स ऐसे होते हैं ना जो हमारे इंडिविजुअलिटी को शेप देते हैं. हाँ, तो लाइफ का इवेंट, लाइफ में कुछ घटनाएं हैं जो हमारे इंडिविजुअलिटी को शेप देता है. तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस जाना चाहिए. ठीक है, आर गिवन, ये तो पैसिव हो गया, हट गया. गिव शेपिंग नहीं, गिव व्हाट, गिव शेप. व्हाट का जवाब आ रहा है, नाउन चाहिए. शेपिंग नाउन नहीं है. और हैड शेप्ड का मतलब है ऑलरेडी शेप कर चुका है. ये एक जनरल बात है, एक जनरल बात कही जा रही है. और जनरल बात हमेशा प्रेजेंट टेंस में रखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस में. और ये तो पास्ट परफेक्ट हो गया, तो आंसर नो इम्प्रूवमेंट है. वेरी गुड, नो इम्प्रूवमेंट, डी आंसर नहीं है. शेप्ड विथ भी नहीं होता. सक्सीड, लाइफ में सक्सीड कर रहे हो. एंटनिम पूछा है, गेन कर रहे हो, पॉजिटिव वर्ड है. विन कर रहे हो, पॉजिटिव वर्ड है. अचीव, तो आंसर इज लूज. कितना इजी वर्ड पर पूछा. अचीव तो इसका सिनोनिम हो गया, बट आपको एंटनिम करना. टाइटन वांट्स बेल्ट. खुश रहिए अभिजीत. टाइटन वांट्स बेल्ट. यस, टाइटन वांट्स बेल्ट. अपने बेल्ट को टाइटन करना मतलब अपने खर्चे कम कर लेना. टू कट वांट्स एक्सपेंडिचर, खर्चे कम कर लेना. टाइटन वांट्स टू कट योर एक्सपेंडिचर, खर्च कम करना है. हाँ, वेरी गुड. To keep away from. To keep away from. हाँ, किसी से दूरी बना के रखना. To keep away, to keep him at an arm's length. Keep at an arm's length का मतलब भी है दूरी बनाना, किसी को अवॉइड करना, दूरी बना के रखना. कन्फ्रंट का मतलब तो सामना करना, फेस करना, उल्टा ही हो. मैट्रिक्स, मैट्रेस,
मैट्रियार्की मटेरियल कौन सा स्पेलिंग रॉन्ग है स्टीयर क्लियर ऑफ गिव अ वाइड बर्थ गिव अ कोल्ड ईयर इग्नोर करना फाइट शाई ऑफ क्या बोल टीचर को याद नहीं आ रहा है मैट्रियार्की का स्पेलिंग रॉन्ग है मैट्री मैट्री हो गया जैसे पेट्री आर्की होता है ना मैट्री आर आर की आर गायब कर दिया है आर यहाँ पे गायब मैट्रियार्कल सोसाइटी पेट्रियार्कल सोसाइटी माता प्रधान द बेस्ट वे टू लर्न अ लैंग्वेज इज टू लर्न अ लैंग्वेज इज टू स्पेंड सम टाइम इन द डैश कंट्री वेयर इट इज स्पोकन आर्की 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 का मतलब भी है रूल एम ई नहीं होगा एम ए होगा सबसे अच्छा मेथड क्या है किसी भी लैंग्वेज को सीखने का डेफिनेट मतलब निश्चित कंट्री नहीं पिक्यूलियर मतलब बहुत विचित्र कंट्री नहीं स्पेशल अ पर्टिक्यूलर खास करके उस कंट्री में रहो जहाँ वो भाषा बोला जाता है पर्टिक्यूलर पर्टिक्यूलर कंट्री स्पेशल कंट्री नहीं एक एक स्पेशल प्लेस नहीं होता है पर्टिकुलर द डैश द बॉयज वर अफ्रेड एट हार्ट दे डिसाइडेड टू स्टे ऑन इन द जंगल कॉन्ट्रेडिक्टरी जा रहा है सो दैट पर्पस बताता है ही वेंट टू द डॉक्टर सो दैट ही may have medical checkup in case का मतलब है अगर condition बता रहा है और because तो कारण बताता है यहाँ sentence contradictory जा रहा है ना although का मतलब होता है यद्यपि contrast बता रहा but all road boys डरे हुए थे were afraid डरपोक थे डरे हुए थे but फिर भी उन्होंने जंगल में रहा और विरोधाभास जा रहा है yes Although के साथ ऐसा जरूरी नहीं है कि yet लगेगा ही ये अपने दिमाग से एकदम हटा दो बच्चे पता नहीं इससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे कि मैम although के साथ ना yet हमेशा आता है अगर दूसरा कोई कंजंक्शन लगा हो ना बट वगैरह उसको काट के yet लगाना बट कभी कभी although के साथ कोई कंजंक्शन नहीं आता कॉमा भी आ गया चलेगा और कॉमा नहीं भी आया ना तो कॉमा का एरर मत मान कॉमा भी आ सकता है लेकिन कॉमा अगर नहीं लगा है अब ये मत समझ लेना कि कॉमा का एरर वीडियो स्टक हो गया है ऐसा लग रहा है मुझे सही बोल रहे मैम रुक गई है क्या है देखो जरा नेट का क्या है नेट चेंज कर रही हूँ सही हो गया अभी भी स्टक ही हूं मैं Still stuck. क्यों stuck हो? Net तो सही चल रहा है. ओके, एक मिनट. देखो तो बेटा नेट का क्या कोई इशू है वैसे तो किस पे चलता है स्टक हो गया सुनो 5G पे ही चलता है ना
बच्चे से पूछ रही हूँ तो केवल बॉय वॉइस आ रही है, स्लाइड भी चल रही है, नो मैटर यू स्टॉप स्लाइड एंड वॉइस आर ओके। चलो चल जाएगा विकास ठीक है। कैमरा नहीं लगाना पड़ा, पीछे ग्रीन आएगा। मैं ये हम इस कमरे का पे ये कर रहा हूं। हम ये कैमरा यूज कर रहा हूं, ये कैमरा डाल दिया। चलो नाउ इट्स ओके ना। चलो कैमरा का इशू चल रहा था। चलो ठीक है, इनकरेक्टली वर्ड बताना, इनकरेक्टली। हाँ एक्लिप्स, एक्लिप्स का मतलब होता है ग्रहण, एक्लिप्स, एक ई सी एल आई, पहले पी आएगा पी फिर एस ई, एक्लिप्स। इसका स्पेलिंग रॉन्ग, एक्लिप्स। नेक्स्ट, द पुलिसमैन वॉन्टेड पनिश द बॉय सिवियरली। द पुलिसमैन वॉन्टेड, पुलिसमैन हमारे सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है। पुलिसमैन हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट है और वॉन्टेड क्या है, वर्ब। पुलिसमैन वॉट, क्या चाह रहा था, वॉट का जवाब आ रहा है, वॉट का जवाब नाउन देता है, ठीक है। और वर्ब का इन्फिनिटिव नाउन का काम करता है और जीरंड नाउन का काम। तो हमें या तो इन्फिनिटिव चाहिए, जीरंड चाहिए। जीरंड में वो एक्टिविटी इनकम्प्लीट है, मतलब पहले से चल रहा है अभी इनकम्प्लीट है, बट यहाँ पे वो वॉन्टेड, अभी काम शुरू नहीं हुआ था, वो चाह रहा था, तो टू पनिश, चाह रहा था, टू पनिश, वॉन्टेड टू। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द समर मंथ्स देर इज शॉर्टेज ऑफ पावर इन मच पार्ट्स ऑफ द कंट्री। मच पार्ट्स नहीं होगा, पार्ट्स काउंटेबल है ना, कंट्री के बहुत सारे जगहों पे पावर की प्रॉब्लम थी, तो पार्ट्स तो काउंटेबल है, तो इन मच नहीं होगा, मेनी पार्ट्स। दिस मॉन्यूमेंट इज द ओल्डर बिल्डिंग इन दिस एरिया। ये जो मॉन्यूमेंट है बिल्डिंग का, मतलब एरिया का सबसे पुराना बिल्डिंग। ओल्डेस्ट दो के बीच में कंपैरिजन नहीं हो रहा है ना, इस स्मारक का कंपैरिजन किसी और से, ये हमारे एरिया का सबसे पुराना है। ओल्डेस्ट, एरर बहुत इजी आ रहा है। थ्राइव, अब मैंने यूट्यूब पे सोचा है ना, अनअकैडमी यूट्यूब पे सोचा है कि एरर का सीरीज शुरू कर दूं अगले मंथ से, ओके, स्पॉटिंग एरर्स का सीरीज अगले मंथ से, अब तो एमटीएस खत्म ही होगा। थ्राइव का मतलब होता है फूलना फलना, प्रॉस्पर करना, डेवलप होना, फ्लरिश करना, फूलना फलना, ग्रो करना, फ्लरिश करना, तो इसका उल्टा होगा श्रिंक करना, डीके करना।
एंटोनिम श्रिंक, श्रिंक करना, मुरझा जाना, श्रिविल करना, विल्ट करना, डीके हो जाना, खराब हो जाना। If my uncle were here now, he knows what to do. Perish कर जाना। If my uncle were here now, ये क्यों नहीं बोल रहे हो? He would have known. ये वाला क्यों नहीं बोल रहे हो? ये भी तो हो सकता है ना? क्या बात है भाई, आज इसको नहीं बोल रहे हैं कुछ भी। हाँ, ये सिंपल पास्ट है, तो इसको भी सिंपल पास्ट होगा बोलना। ये तो तब बोलते हैं ना, यस यस अभिजीत, ये तो ये नहीं, अभी क्यों नहीं बोल रहे, मुझे समझ में आ रहा है। ये तब बोलते हैं ना जब ऐसा रहता, इफ आई हैड मनी। अब बताओ, आई वुड हेल्प होगा। ये तो गड़बड़ तब करते हो जब हैड लग के आता है, अभी तो वर लगा है ना, इसीलिए आई वुड हैव हेल्प। चलो बताओ कौन सा होगा। यस, ये हैड है, मनी तो नाउन है। हाँ देखो केसरी, वेरी गुड, इसी चीज का मैं वेट कर रही थी, तो बिल्कुल नहीं है। मनी नाउन है। अकेला हैड है, अकेला हैड सिंपल पास्ट है। जैसे वर यहाँ सिंपल पास था, तो बगल में सिंपल पास लगाया ना, तो यहाँ भी सिंपल। पता था कि यही कुछ करोगे, हैड लग जाएगा ना, तो ये लगाने का मन हो। यहाँ तो चलो बच गया, हैड वगैरह नहीं था। इफ माय अंकल हैड बीन देयर, परफेक्ट होता तब लगाते। इफ यू वांट गुड सीट्स, आई डैश यू टू बाय द टिकट्स इन एडवांस। अगर तुम्हें अच्छा सीट चाहिए ना, तो मैं क्लेम कर रहा हूँ, दावा थोड़ी कर रहा हूँ, इंटेंड नहीं। मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि पहले टिकट खरीदो। बी ऑफ, सजेस्ट कर रहे हैं। ये ऐसे ही लग रहा होगा, यस आपको ऐसे ही लग रहा है, अरे ऑफ है, मूड ऑफ है। ऐसा थोड़ी है कि जहां भी ऑफ लग गया ना, ऑफ लग गया तो मूड ही ऑफ हो गया। कहीं से गो अवे, वेरी बैड मूड, बैड मूड कर रहे हैं। सबका मन वही हो रहा है, ऑफ है, आज उसका दिमाग ऑफ चल रहा है। बी ऑफ, ऑफ है, बी ऑफ का मतलब वहां से निकल गया, निकल लेना है। गो अवे होगा, गो अवे। आज उसका मूड ऑफ है, बैड है, सैड है, ऐसा कुछ भी नहीं, आज ऑफ है। वैसे हम लोग की हैबिट होती है ना हम इंडियंस की, अरे आज ऑफ चल रहा है, अपना बना लेते हैं मूड ऑफ। मूड ऑफ को बोलते हैं, बट यहाँ बी ऑफ मतलब वहां से ऑफ, निकल जाना, गो अवे, भाग जाना, निकल जाना। रॉन्ग हो गया, कटा है सबका। क्या बात है, वो भी बहुत चलाक होते हैं, पेपर सेटर चलाक होते हैं। अरे ऑफ है, दिमाग खराब चल रहा है उसका, दुखी है। डिक्रीज, डिक्रीज सिनोनिम पूछा है। असेंड करना मतलब कोई भी चीज ऊपर बढ़ना, इंक्रीज का मतलब भी बढ़ना, ग्रो का मतलब भी बढ़ना, डिक्रीज कम होना, डिक्लाइन होना, ड्विंडल होना, डिमिनिश होना, कम होना, ड्विंडल होना, डिमिनिश होना, अटेनुएट होना, वीकन होना,
amiable. एमिएबल का मतलब होता है बहुत फ्रेंडली. बिटर का मतलब तो बहुत कड़वा, वेरी सार्डोनिक. ठीक है, बहुत एक्रेट, कड़वाहट, एक्रीमोनियस, एसर्बिक, एक्रीमोनियस. रूट तो पता ही, मोनियस, ओ यूएस. तो फ्रेंडली होगा. फ्रेंडली के चार पांच वर्ड्स याद करो. एमिएबल याद करो, एमिकेबल याद करो, अफेबल का मतलब भी है मिलनसार, ग्रीगेरियस, सब मिलनसार. अ मास ऑफ वैक्स सेल्स बिल्ट बाय हनी बीज टू स्टोर हनी. कन्विवियल भी, विट्रॉयल, एसिडेट, पंजेंट, कॉर्डियल. यस, ये जो अपेरी है ना, जहां पे बीज रहते हैं, ठीक है, एवियर, अ प्लेस फॉर बीज, जहां पे बीज रहते हैं, और एवियरी जहां पे बर्ड्स रहते हैं. और ये ना मधुमक्खी के छत्ते को बोलते हैं, लेकिन ये वैक्स सेल्स होता है जहाँ पे हनी बीज ना हनी रखते हैं, ये वैक्स सेल्स होता है, उसको हनी कॉम बोल, हनी कॉम, हनी कॉम. मधुमक्खी का छत्ता होता है, उसमें वैक्स सेल्स होते हैं, वहां पे हनी स्टोर करते हैं, हनी स्टोर. As she wants to lose weight, she was started running. What slight difference? अब वो वेट लूज करना चाहती थी ना, तो पैसिव थोड़ी होगा. इज एम आर के बाद वित्री आ गया तो पैसिव होगा ना, पैसिव थोड़ी हो. क्वेश्चन गलत है. इस एम आर के बाद वित्री आ गया, पैसिव है, गलत है. और शी सिंगुलर है, शी के साथ वॉज होना चाहिए, ये भी गलत. और प्रेजेंट जा रहा है, शी वॉन्ट्स टू लूज वेट, शी हैज स्टार्टेड. खुद स्टार्ट किया है, पिछले साल का ही पेपर है. आप लोग जो डरे रहते हो ना, ऐसा नहीं है कि पांच साल पहले का पेपर है, पिछले साल का है. ओनली दोज चिल्ड्रेन, ओके, ओनली दोज चिल्ड्रेन आर डैश बिलो or below 15 can take part in this competition. इसीलिए ये subject है. R, R क्या है? Verb. और verb को क्या चाहिए? Subject. Whom किसके लिए use होता है? Whom तो object के लिए होता है. Whom किसके लिए? Subject के लिए. और whose तो possession बताता है. Whose के बाद एक noun चाहिए, possession बताता है. Person के लिए which तो होगा नहीं. Sorry. Answer is whom. We need a subject. आ गया आपका प्यारा क्लोज टेस्ट. मनपसंद क्लोज टेस्ट आ गया. ये ना, ये ड्रामा बंद करो. ऐसा पेपर आएगा ना तो मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा. ऐसा ऐसा करेंगे. पिछले बार क्यों नहीं मजा आया था? 80 व्यापारी मर्चेंट्स फ्रॉम लंडन केम टुगेदर इन द ईयर 1600 डैश ईस्ट इंडिया कंपनी. हमारे 80 व्यापारी आए, ठीक है, 1600 में. किस मकसद से आए, किस पर्पज से आए? ईस्ट इंडिया कंपनी खोलने के लिए, ठीक है. दे केम टुगेदर, किस लिए आए? फॉर वॉट, फॉर वॉट का जवाब आ रहा ना, क्या करने आए? तो इन्फिनिटिव होगा. टू के साथ तो वी वन होगा, टू फॉर्म बनाने के लिए आए.
दे वॉन्टेड टू एंटर डैश बिजनेस विद इंडियन ट्रेडर्स. वो इंडियन ट्रेडर्स के साथ, आपको मैंने बताया है कि अगर किसी जगह पे एंटर हो रहा है तो उसके साथ इन या इंटू मत लगाना. ही एंटर्ड इन टू द हाउस, वो घर में घुसा, और हाउस एक जगह है, उसके साथ इंटू इंटू मत लगाना. ही एंटर्ड द हाउस. बट किसी गठबंधन में, किसी व्यापार में, किसी एग्रीमेंट में एंटर करते आ रहे हो तो उसके साथ इंटू लगे. You enter into business, you enter into an alliance, you enter into an agreement, means you are becoming a part of the agreement. You are becoming a part of the business with Indian traders in the fields of textile and spices ka vyapar karne aaye. They dash inspired by the Portuguese and the Dutch. They were. पास्ट टेंस में जा रहा है और दे सिंगुलर है, दे प्लूरल है तो वॉज नहीं, ठीक है. और सेंटेंस पैसिव जा रहा है. अब आप बोलोगे दे हैड इंस्पायर्ड क्यों, दे हैड इंस्पायर्ड मतलब दे लोगों ने किसी को इंस्पायर किया, एक्टिव है, बट वो इंस्पायर किए नहीं, वो पोर्टुगीज से इंस्पायर्ड से थे. हैड के बाद V3 आ गया तो एक्टिव होगा, दे वर इंस्पायर्ड. हैड भी मतलब है, दे हैड इंस्पायर्ड मतलब उन्होंने किसी को इंस्पायर किया, नहीं बाय जा रहा है, सेंटेंस पैसिव जाना चाहिए. दे वर इंस्पायर्ड बाय द पोर्टुगीज एंड द डच हु वर डैश अ फ्लरिशिंग ट्रेड, हु वर अंग्रेजों से पहले ना पोर्टुगीज और डच ऑलरेडी कंटिन्यू कर रहे, देवर कैरिंग ऑन का मतलब है कंटिन्यू, ऑलरेडी वो ट्रेड चला रहे थे इंडिया में मसालों का, एंड अर्निंग ह्यूज, कैरिंग ऑन चला रहे थे पहले से ही, कंटिन्यू रखा था उन्होंने बिजनेस. और मसाला एंड ऑल का व्यापार चला रहे थे, और व्यापार करोगे तो अर्निंग ह्यूज क्या, सामान बेचकर आप बेनिफिट या एडवांटेज नहीं कमाते, प्रॉफिट पैसों के सेंस में, प्रॉफिट पैसों के सेंस. हाँ भाई, अभी एक स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि मैम फॉर्म क्यों नहीं होगा. अच्छा, कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है कि वो पूछ रहे हैं कि मैम पहला वाला में फॉर्म क्यों नहीं आएगा, ये क्यों नहीं आएगा, क्योंकि फॉर्म वर्ब है, हमें वर्ब नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे वर्ब मिल गया है. मर्चेंट्स आते हैं, ओके, ये मर्चेंट्स हमारा सब्जेक्ट है और ये वर्ब, ये मर्चेंट्स आते हैं किसी उद्देश्य से, हम पर्पस के लिए इन्फिनिटिव लगाते हैं, ठीक है. हमें वर्ब नहीं चाहिए, हमें तो अपना वर्ब मिल गया, हमें इन्फिनिटिव लगाना, इन्फिनिटिव वर्ब नहीं है, नाउन, वी नीड अ नाउन, ठीक है. और ये भी बात है, ये भी बात है कि सेंटेंस पास्ट टेंस में भी जा रहा है, अगर आपने वर्ब भी समझा होगा ना तो सेंटेंस पास्ट टेंस में भी जा रहा है, ये भी नहीं होगा. तो आप बोलोगे फिर ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें वर्ब नहीं चाहिए, हमें तो वर्ब मिल गया, क्या करने आते हैं, फॉर व्हाट दे हैड कम. ओके, चलो शेयर योर स्कोर, आई वॉन्ट टू सी वेदर टूडे एनीबडी हैज गॉट 25 आउट ऑफ 25, तो ये केसरी का गलत हो गया है, 24. अभय हैज गॉट 23, शिका हैज गॉट 21, रवि ने -3 भी किया है, -3 आया है 25 में, भाई बहुत दिक्कत है भाई, बहुत मेहनत करनी होगी, जबरदस्त वाली बीमारी है आपकी, कोविड मलेरिया सब एक साथ हो गया है. नेहा है, वर्षा हैज गॉट 24, आंचल 18, नेहा 21, मुकेश 21. आपका दिल्ली सेंटर गया है ना नाजीश, और आप कहाँ से हो, शिमा हैज गॉट 24, किसी बच्चे का 25 अगर इजी था तो 25 लाना था ना, वर्षा 24, यूपीएससी का तो आज कट गया नंबर, दो नंबर कटा है आपका. नीतेश 23, चेतन 23, आरती 21, राजन 24, किसी का 25 नहीं आया, श्रेया मकसूद 23, गुरदीप का 20 आया है,
हाँ हाँ जी मैम, कोविड मलेरिया टाइफाइड सब एक साथ क्रॉनिक है। वो वाला इडियम गलत कर दिया होगा, मूड ऑफ हो गया है। अभिजीत का भी वही गलत है, मूड ऑफ कर दिया है। 24 आया है, मैक्स 24 आया है भी। हाँ वो वाला सबने रॉन्ग किया है। आगे वाले में कोशिश करते हैं, यूपीएससी लेजेंड का तो कम आया, 24 तो आना चाहिए। चलो कंपेंसेट कर लो दूसरे वाला, कोशिश करते हैं आगे वाले में कहीं ईडीएम्स धोखा ना दे दे। 23 आए, चलो लेट्स स्टार्ट। पेपर ऐसे ही आएगा जैसा पिछले साल आया था, वैसे ही आया। डिसेंडेंट का मतलब होता है उत्तराधिकारी। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट लेट्स गो टू द म्यूजियम, लेट्स गो टू द म्यूजियम। उसका दोनों स्पेलिंग जाता है ना, दोनों स्पेलिंग परमिसेबल है। बहुत सारे बच्चों को मैं देख रही हूँ, ये भी स्पेलिंग है डिसेंडेंट्स, ईएनटी वाला भी जाता है, ईएनटी। लेट्स, अगर हमारा वाक्य लेट से शुरू हो, चाहे सेंटेंस पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हमेशा आंख बंद करके शैल बी, शैल बी, शैल बी। लेट्स का हमेशा शैल बी, वेरी गुड। सेशंस अच्छे लगे तो लाइक वाइक भी कर देना है बिना बोले। दिख रहे हैं क्लोस्टर्स में तो आधा गायब ही हो जाते। अंटिल रिसेंटली द विलेज वुमेन डैश वाटर फ्रॉम कॉमन वेल्स और हैंड पंप। हाल फिलहाल तक ना गांव के जो वुमेन है वो पानी कुएं से या हैंड पंप से निकालते हैं, बट अब उनके घर टैप आ गया, अब उनके घर नल लग गया है। पानी बेचते थे वो, बॉट नहीं होता है, बॉट बाय, बाय मतलब खरीदना, उसी का बॉट होता है। ब्रिंग होता तो हो भी सकता था, अगर ब्रॉट होता ना, ब्रॉट तो हो भी सकता था। खरीदने नहीं जा रहे कुएं से पानी, फेच, फेच का मतलब होता है लाना, ब्रिंग कर, फेच अ ग्लास ऑफ वाटर। एक जगह मैं न्यूज में कहीं देख रही थी, ये जो गांव वगैरह होता है ना, उसमें कुएं से पानी लाने का काम विमेन ही क्यों करते हैं? और कई गांव में देखोगे ना, दूर तक जाते हैं बेचारे, धूप में, कड़ी धूप में दूर लाने का मतलब, और वो काम विमेन का क्यों करते हैं? आप मुझे इसका आंसर दो, मेन क्यों नहीं करते हैं? और ये बहुत कठिन काम है, पानी भरने वो जाते हैं, दूर से लाते हैं, फिर मेन आके आराम से नहाते हैं, क्यों क्यों करते हैं? मैडम हाँ, वुमेन जैक इन जेल में तो जैक गया था, मुझे पानी लाने का काम कुएं से निकालना, घंटों एकदम स्कॉर्चिंग हीट, चिलचिलाती धूप में जाके वुमेन ही क्यों लाते हैं? मैन ऑफिस जाते हैं, पहले ये सब था। नहीं नहीं अभी भी है, अभी भी है रॉली, अभी भी है, घर का काम हाउस होल्ड है, आराम से आके खाना पीना खा रहे हैं, नहा रहे हैं, ऑफिस जाते हैं। मैम मेरा सोच है कि 3 से 4 को ऊपर रख कर बिना पकड़े ही चल पाती है, मतलब वुमेन में बैलेंस करने की क्षमता है, वुमेन ज्यादा पावरफुल होते हैं। पानी लाने के समय वुमेन को पावरफुल कर दिया है और बाकी समय कमजोर कर देते हैं, परंपरा है।
ब्रीद हार्ड एंड विथ डिफिकल्टी, बहुत ब्रीद कर रहे हो, पैंट करना, पैंटिंग, पैंटिंग स्ट्रैंगल का मतलब है ना किसी का गला घोटना, चोक हो जाना, गला घुट जाना, एकदम हाफना, बहुत मुश्किल से ब्रीद करना, पैंटिंग स्ट्रैंगल नहीं होगा, स्ट्रैंगल का मतलब दम घुटना किसी के द्वारा, पैंटिंग हाफना जिसको हाफना बोलते हैं, मैन फॉर द वॉर एंड वुमेन फॉर द एग्री। एग्री, आराम से आके हाथ धोएंगे, पैर धोएंगे, नहाएंगे और अधिकार देते टाइम कमजोर बना देते हैं। एग्री करना, दोनों को पानी लाना चाहिए, मैं एग्री करती हूँ ना, एक टाइम का पानी उधर एक टाइम का, दोनों को मिल के लाना चाहिए, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मेन को ही लाना चाहिए, आप ये सब भी ध्यान रखो। वो जो खेत में जाके काम कर रहे हैं, विमेन भी ना घर में जाके उतने ही काम कर रहे हैं, सक्स एग्री करने का उल्टा है अपोज करना, डिसएग्री करना। घर के काम को ना लोग बहुत लाइटली ले लेते हैं, लेकिन वो भी घर पे इतना मेहनत कर रहे हैं, बैठते ही नहीं है, घर का काम खत्म भी नहीं होता है। गोपीज फादर आस्क्ड हिम नॉट स्टे आउट लेट अगेन। हर वुमेन तो खेत में भी करती है, सही बोला। हाँ, वुमेन तो खेत में भी करते हैं, घर में भी करते हैं, सब करते हैं। आज हमारे गर्ल्स एकदम भावुक हो चुके हैं। हाँ, गोपी के फादर ने उसको बोला, क्या नॉट स्टे नहीं होगा, नॉट टू स्टे, क्या बोला, क्या, और स्टे भी वर्ब है, हमें अपना वर्ब तो मिल गया, आस्क्ड वर्ब नहीं चाहिए, व्हाट, व्हाट डिड ही से, व्हाट का जवाब आ रहा है, नॉट टू स्टे, नॉट टू स्टे, यू कैन नॉट मीट मी ऑलवेज यू लाइक, सॉरी, यू कैन मीट मी ऑलवेज यू लाइक, हमारे घरों में भी हम गर्ल्स लोग फिल्टर से पानी भरते हैं। सही हो, मेरी मम्मी रोज बोलती है चार रूम में झाड़ू लगा कर ही नहाना, एकदम सही बोला है, ऐसी मम्मी सब जगह होनी चाहिए। मम्मी को मेरी तरफ से बोल देना मैम ने आपको एकदम सल्यूट किया है, ठीक है, मैम ने आपको अपनी तरफ से बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट भेजा है और सल्यूट किया है, ऐसी मम्मी होनी चाहिए। हम चार रूम में झाड़ू लगा के तब नहाने जाना। यू कैन, देखो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ना, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, ऐसा आ रहा होगा, मैम ऑलवेज तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ना, वर्ब से पहले आना चाहिए, यू कैन ऑलवेज मीट मी, अगर मैं ऐसा कर भी देती हूँ, बट ये तो गड़बड़ लग रहा है, ये तो गड़बड़ लग रहा है ना, यू लाइक, हाँ यू कैन मीट मी ऑलवेज वेन एवर यू लाइक, ऐसा कुछ भी लगाओ, एनी टाइम यू लाइक, कुछ भी यहाँ पे लगाना है, ओके, यू कैन मीट मी ऑलवेज व्हेन यू लाइक या व्हेन एवर यू लाइक, एज यू लाइक, कुछ भी लगा दो, कुछ भी लगाना हो। फॉल फॉर, ही फेल फॉर हिज ब्यूटी, उसकी ब्यूटी के झांसे में आ गया, उसकी ब्यूटी पे धोखा खा गया, अंदर से तो वो चालाक थी। हाँ रोली, मैं समझ सकती हूँ, आप गर्ल्स को छोड़ो ना, मुझे भी ले लो, मैं आपके साथ हूँ,
मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको पढ़ाती हूँ, मैं आपको पढ़ाती भी हूँ, फिर मेरे मेरे पास जो भी घर के और भी काम होते हैं वो मुझे ही करना होता है, वो भी तो मुझे करना होता है। तो फॉल फॉर का मतलब होता है किसी से आसानी से किसी के झांसे में आके यू आर टेकन इन। टेकन इन का मतलब होता है बेवकूफ़ बन जाना, चीटेड हो जाना। समथिंग डेट इज गिवेन टू काउंटर द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। पॉइजन के जहर काटने की दवा को क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक, एंटीडोट। मेरा मैं बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट हूँ, मैं किसी को काम नहीं बोलती हूँ। जिसको मन है ना वो आके अपने कर देगा, लेकिन मैं किसी को बोलती नहीं। एंटीडोट, जहर काटने की दवा। एंटीडोट बोलते हैं। आई हैड टू गो टू द एटीएम डैश मनी। मैं एटीएम गया फॉर व्हाट? किस उद्देश्य से एटीएम गया? पैसे निकालने ना, टू के साथ वी वन। यहाँ पे फॉर, फॉर तो प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के साथ तो आई एन जी आना चाहिए, फॉर गेटिंग मनी, और बाय तो नहीं, टू गेट मनी। ऑब्स्ट्रक्शन, यू कैन मीट मी ऑलवेज यू लाइक। क्या देखूं? यू कैन मीट मी ऑलवेज व्हेन यू लाइक द टीचर टोल्ड। क्या करना चाह रहे हो अभिजीत, एक बार बताना, मतलब क्या करना चाह रहे हो? यू कैन ऑलवेज मीट मी, दो जगह पे एरर दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन अगर मैं ऑलवेज को रिप्लेस करती हूँ ना, ऑप्शन डी चाह रहे हो तो अच्छा, यू कैन ऑलवेज मीट मी यू लाइक। लेकिन ये सही बैठ रहा है, ये सही बैठ रहा है। यू कैन मीट मी, यू कैन ऑलवेज मीट मी यू लाइक, ये भी तो नहीं फिट बैठ रहा है ना। ओके, ये भी तो फिट नहीं बैठ रहा है। यू कैन ऑलवेज मीट मी व्हेन यू, ये भी फिट नहीं बैठ रहा है। कुछ ना कुछ वहां गड़बड़ है। ओके, हाँ ये सही बोला, ये सही बोला, सही बोला। ये मैंने देखा नहीं है अभिजीत, आपने सही बोला, मैंने ये देखा ही नहीं है। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? यू आर राइट, वेरी गुड। यहाँ पे हम कर सकते हैं, ये मैंने देखा ही नहीं कि ऑलवेज यहाँ पर डाला हुआ। हम क्या कर सकते हैं ना, यू आर राइट, कि हम ऑलवेज वुड को ही हटा देते हैं हम। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया। वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने पॉइंट बताया कि जब ऑलवेज का पोजिशन गलत है तो यू कैन ऑलवेज मीट मी, यू कैन मीट मी ऑलवेज ही हटा दो। Whenever, जो मैंने यहाँ पे whenever लिखा था, यहाँ लिख दूंगी। Yes, you are right. मैंने ये देखा नहीं कि इसको यहाँ पे। Very good, very good. You can meet me whenever you like, when you like. कब से बोल रहे थे ना, ऑलवेज ही हटा दिए। चलो अच्छी बात है। अरे वो सब स्मार्ट हो गए हैं, टीचर को करेक्ट कर रहे हैं, स्मार्ट हो गए। इससे अच्छा और क्या चाहिए? अन अकेडमी छोड़ूंगी तो मेरा 5 स्टूडेंट इंग्लिश पढ़ा देंगे। राइट पकड़े, यहाँ व्हेनेवर को नहीं लगाना है, व्हेनेवर को यहाँ पे लगा देना। सी, सब स्मार्ट हो गए हैं, छोड़ने का टाइम आ गया। मैंने क्या, कोई दिक्कत नहीं है, 5-6 स्टूडेंट को दे के जाऊंगी। ऑब्स्ट्रक्शन,
ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब है बाधा, बाधा मतलब हिंड्रेंस है, हिंड्रेंस बाधा, ऑब्स्टैकल, हैसल, हर्डल, हर्डल। हिंड्रेंस में ना ऐसा ऐसा कुछ लगा के दे देंगे, एच आई डी ई आर, ऐसा स्पेलिंग में ऐसा लगा देते हैं। देखो हिंडर में एच आई एन डी ई लगा, हिंडर, हिंडर का मतलब है रोकना, वर्ब है, बट हिंड्रेंस बनाते हैं ना तो उसमें से ई गायब हो गया, स्पेलिंग भी ध्यान दें। इफ द वर्ल्ड वॉज टू एंड टूमोरो वाई वुड यू स्पेंड योर डे टूडे। अच्छा अगर कल, अगर ऐसा होता कि कल वर्ल्ड, दुनिया खत्म होने वाली है तो आज आप अपना दिन कैसे स्पेंड करो। वाई, वाई का मतलब है क्यों करोगे, कब करोगे, क्या करोगे, नहीं हाउ, हाउ किस मैनर पूछ रहा है। हाउ वुड यू स्पेंड योर डे टुडे, मैं तो अपना अनअकैडमी का जल्दी जल्दी क्लास ले लूँ, कल मुझे पता चला कि दुनिया खत्म होने वाला है तो सबसे पहले मैं अपना यूट्यूब वगैरह ले लूँ और अनअकैडमी का प्लस का क्लास वगैरह ले लूँ, शांति से ऊपर जाऊँगी। हाउ, हाउ एडवर्ब ऑफ मैनर से। एक दिन तो हो गए बट पता नहीं है ना, अगर पता चल जाए तो मैं क्लास फटाफट ले लूंगी, मैं तो सोऊंगा, क्या ही कर सकते हैं। सैंडविच, सैंडविच, सैंडविच का स्पेलिंग डब्ल्यू आई टी सी एच नहीं होगा, ये तो, ये जो विच होता है ना, चुड़ैल वाला विच है ये वाला। There is many food for all of us. देखो इसीलिए ये आया है पूछने की आपकी शादी हुई है, यही सब करने आए। ऐसा स्टूडेंट अपनी टीचर से पूछता है कोई, वाह वाह नाम रखा, ऐसा कोई पूछता है? देर इज मैनी फूड, इसीलिए बोलते हैं ना कि ये सब डिमेंटेड हो गए हैं। ऐसा टीचर से पूछने के पहले ना 10 बार सोचना चाहिए, फॉर्मर क्लास में हो, एथिक्स है, पेरेंट्स ने आपको अच्छे वैल्यूज आपके अंदर दिए हैं, टीचर से ऐसे ऐसे चीजें नहीं पूछनी चाहिए, क्रेजी है, ल्यूनेटिक है। तो फूड अनकाउंटेबल है ना, फूड अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल चीजों के साथ मैनी का यूज नहीं होगा। और प्लेंटी भी मैनी तो काउंटेबल है बट फूड तो अनकाउंटेबल है तो होगा नहीं, प्लेंटी भी काउंटेबल है और आर नहीं होगा, मच अनकाउंटेबल है, इसके साथ इज लगना चाहिए, इनफ होगा, इनफ। ये सब को कुछ पता नहीं है क्या है मॉरल वैल्यूज, टीचर ने बिगाड़ दिया इनको। हाय गाइस, कम ऑन गाइस, गाइस 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 करके ना इन्हें बिगाड़ दिया है, जो टीचर और स्टूडेंट के बीच का लाइन खत्म कर दिया है, गाइस है ये सब। कंक्लूड, कंक्लूड करना मतलब इंक्लूड करना नहीं होता, कंक्लूड करना तो एंड करना, एंड करना हुआ ना। हाँ इंक्लूड करना तो शामिल होकर, एक्सक्लूड बाहर करना। द वर्कर्स हु रिटर्न डैश ड्यूरिंग द लॉकडाउन डिड नॉट गो बैक वर्क, बैक टू वर्क। जो वर्कर्स अपने घर वापस आ गए थे वो काम पे नहीं गए, ऑफिस तो नहीं आए। हाउस इज मकान, हाउस इज सिंपली अ बिल्डिंग,
मकान, बट ये तो अपने घर आए थे, होम होम आए थे, होम। जब होम में सारे मेंबर्स आ गए, हाउस में वो होम बन गया। देखो हाउस और होम का डिफरेंस आ गया। हाउस इज सिंपली अ मकान, चार दीवारी। कैरी ऑन। हाउस इज सिंपली अ स्ट्रक्चर एंड होम इज द ऑक्यूपेंट्स, जहाँ सब लोग रहते हैं। कैरी ऑन विद योर वर्क। कैरी ऑन का मतलब है कंटिन्यू करो, कंटिन्यू कंटिन्यू। ईगर, बहुत ईगर है किसी काम को करने के लिए, ना बहुत ईगर है, बहुत डिजायरस है, बहुत इच्छुक है, विलिंग है, डिजायरस है, इच्छुक है, काम को करना चाहता है। और इसका उल्टा, और ये तो इनडिफरेंट है। इनडिफरेंट का मतलब उल्टा पूछा, अनकंसर्न्ड है, कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अनकंसर्न्ड है, इनडिफरेंट है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। इनडिफरेंट पर्सन, कोई फीलिंग ही नहीं है, अपैथी, और ये तो इगरनेस वाली फीलिंग है। दारोगा जी को देखिए ना, दारोगा जी क्या प्रूफ है कि आप और अपनी अपनी पत्नी साथ में पढ़ते हैं? मैं, मुझे क्या शादी में इनवाइट किया था कि मुझे पता चल गया कि आप और पत्नी साहिबा को जो पढ़ते हैं वो आपकी पत्नी ही है? इतना बेवकूफ समझा है मुझे? पत्नी किसी को भी बना लेते हैं। प्रूफ प्रूफ मुझे दीजिए, तब जब मुझे प्रूफ होगा ना कि सचमुच में वो आपकी पत्नी है, तभी मैं नाम लूंगी, ऐसे थोड़ी बोल दूंगी। द मैन हू इज सिटिंग एट द कॉर्नर टेबल इज माई अंकल। सही बोला है, पत्नी होती ना तो साथ में बैठ के बकवास नहीं कर पाते हम। सही पकड़ा है अंजलि। द मैन हू इज सिटिंग, मैन जो कि बैठा है कॉर्नर में, वो मेरा फ्रेंड है। ये मैन हमारा सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट के लिए भी हु लगना चाहिए ना। द मैन हूज नहीं होगा, हूज मतलब जिसका, और हूज पोजेसिव केस है, उसके बाद एक नाउन चाहिए, लेकिन हमें तो वर्ब चाहिए। द मैन हु, who is sitting, the man who is sitting, the man who is sitting at the, who sitting नहीं होगा, who is भी लगाना होगा। जब शुरू में एक रिलेटिव प्रोनाउन आ गया ना, तो दो वर्ब आता है और दोनों वर्ब उसी सब्जेक्ट के लिए, सिर्फ who लगा के काम थोड़ी होगा। the man who sitting at the, who is sitting, don't forget post this letters। इस बैच में सॉरी इस सेट में आपने देखा है कितना ज्यादा इन्फिनिटिव का एरर आया है, इन्फिनिटिव का बहुत एरर आया है। डोंट फॉरगेट, क्या क्या नहीं भूलना, टू पोस्ट बहुत ज्यादा आया है। चलो स्टार्ट करो। थोड़ा सा लेंदी है, देखो कई कई सेट में ना बहुत छोटा छोटा आ जाता है क्लोज टेस्ट, और कई सेट में क्लोज टेस्ट लेंदी भी आ जाता है। लेंदी होता है, थोड़ा सा टाइम ले लेता है। According to a news report, a former captain of Indian wheelchair cricket team has now been forced to, मजबूर है क्या, as a laborer का काम कर रहा है, lockdown में ना उसका job वॉब चला गया होगा। wheelchair cricket का captain है, cricket team का, मजबूर है to employ, नहीं होगा employment, थोड़ी दे रहे हैं, serve थोड़ी कर रहे हैं, serve as, किसी को serve कर रहे हैं, सेवा
टू वर्क एज, तो सर्व सर्व नहीं कर रहे हो, वर्क होगा, अपने लिए वर्क कर रहा है। सर्व करना मतलब दूसरे को सर्व कर रहे हैं, अपनी सेवाओं को दे रहे हो, अनअकैडमी के लिए सर्व कर रहे हो, बट वो काम अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कर रहा है, वर्क, सर्व थोड़ी कर रहा है। तो सब लेबर का काम कर रहा है, लेबरर का। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ COVID-19 पैंडेमिक एंड लॉकडाउन द चिल्ड्रेन ही यूज टू डैश, अब उनके जो जो चिल्ड्रन को वो कोच देता, कोच करता था ना, कोचिंग देता था, सिंस ये क्रिकेट है, क्रिकेट टीम में कोच होते हैं, क्रिकेट खेल को पढ़ाते नहीं है, कोच करते, जो बच्चों को कोच देते थे ना वो भी उनके घर आना बंद कर दिए। देयर पेरेंट्स सेड, पेरेंट बच्चों के पेरेंट्स बोलने लगे ना उनके पास मनी नहीं है टू पे फॉर देयर डैश। सेशंस अच्छे लग रहे हैं, लाइक भी कर देना, 139 वॉचिंग है, ओनली 107 लाइक्स। और ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के लिए उनके पास पैसे नहीं है। बिफोर द लॉकडाउन ही वॉज गिविंग कोचिंग, देखो कोच कोच कोचिंग दे रहे थे इसलिए कोच वर्डे हैं, टू व्हील चेयर बाउंड चिल्ड्रेन हु वर डैश इन प्लेइंग क्रिकेट, वो कोचिंग देते थे वो बच्चों को जो हैंडीकैप बच्चे जो हैं, फिजिकली चैलेंज है, जिसको एनकरेज्ड इन नहीं होता, हु वर फोर्स्ड के साथ टू, फोर्स थोड़ी कर रहे हैं, इसको मजबूर थोड़ी किया जाता है, हु वर इंटरेस्टेड। इजी है, लेंथी है बट इजी। द कोच हैज नाउ रिटर्न टू हिज विलेज जहाँ उसके पेरेंट्स रहते हैं। He said to the reporter जो उसका इंटरव्यू ले रहा है कि दीज आर डिफिकल्ट टाइम्स, अभी कोविड में समय ठीक नहीं चल रहा है, बट आई नो आई विल बी एबल टू डैश देम विद अ स्माइल। ये देम किसके लिए लगा है? टाइम्स के लिए लगा है। हाँ, डिफिकल्ट टाइम्स, ये भी मैं ओवरकम कर लूंगा।